तो कल हमारा जो लास्ट टॉपिक था वो इन्फ्लोरेसेंस से रिलेटेड था। अब कुछ लोगों को यहाँ पर थोड़ी सी गलतफहमी हुई या मेरे बताने में गलती हुई, मैं उसको फिर से लिख देता हूँ। इन्फ्लोरेसेंस के मैंने चार टाइप आपको बताए थे, चार टाइप नहीं रादर चार कंडीशंस बताई थी। मैंने आपको बताया था देयर मस्ट बी अ सॉलिटरी फ्लावर, कुछ फ्लावर ऐसे होंगे जो अकेले पड़े होंगे, दीज आर नोन एज सॉलिटरी फ्लावर। दूसरी कंडीशन थी जिसमें हम लोगों ने पढ़ा कि एक है रेसिमोस। तीसरी कंडीशन जो पढ़ी हम लोगों ने पढ़ी वो है साइमोस, और चौथी कंडीशन पढ़ी स्पेशल इन्फ्लोरेसेंस। इन्फ्लोरेसेंस में ये चार कंडीशन है, चार इन्फ्लोरेसेंस नहीं। पहला क्वेश्चन जो बच्चों ने मुझसे पूछा कि सर इन्फ्लोरेसेंस में तो सर अरेंजमेंट ऑफ द फ्लावर एंड फ्लावर बर्ड्स हैं, बहुत सारी बर्ड्स होनी चाहिए, और यहाँ तो सर अकेला फ्लावर है, क्या ये इन्फ्लोरेसेंस है? नो, इट इज़ नॉट अ इन्फ्लोरेसेंस, इट इज़ नॉट अ इन्फ्लोरेसेंस, इट इज़ अ कंडीशन इन विच वी आर डिस्क्राइबिंग अबाउट द फ्लावर विच इज प्रेजेंट सिंगल इन ओन एक्सिस, अपनी पूरी एक्सिस में अकेले पड़ा। तो मैं एक कंडीशन डिस्कस कर रहा हूँ कि सॉलिटरी फ्लावर भी इस दुनिया में होते हैं, जैसे कि एक के बारे में हम लोगों ने बोला था कि टर्मिनल सॉलिटरी फ्लावर, और दूसरा कौन था? एक्सिलरी। जैसे चाइना रोज क्या था? एक्सिलरी पोजिशन पे अकेला फ्लावर था। और मैंने बोला था कि पॉपी प्लांट कैसा था? टर्मिनल पोजीशन पे अकेला फ्लावर था। तो इट इज नॉट अ इन्फ्लोरेसेंस, पहले सुन लो, ये इन्फ्लोरेसेंस नहीं है। इन्फ्लोरेसेंस से रिलेटेड अ कंडीशन है जिसमें इन्फ्लोरेसेंस की बात ना करके हम सिंगल फ्लावर की बात करते हैं। फिर मैंने आपको पढ़ाया कि मेन तीन तरीके के इन्फ्लोरेसेंस होते हैं, इनमें से एक है रेसिमोस, दूसरा है साइमोस, और तीसरा है स्पेसल। और तीनों ही कंडीशन को हम लोगों को कुछ पॉइंट के साथ डिस्कस करना चाहिए। मैंने आपको बताया कि मेन स्टेम में फ्लोरल एक्सिस निकलेगी, फ्लोरल एक्सिस निकलना अलग बात है और मेन स्टेम अलग बात है, और उस फ्लोरल एक्सिस में फ्लावर का अरेंजमेंट होगा। तो बताइए ये फ्लोरल एक्सिस है क्या? ये फ्लोरल एक्सिस नहीं है, ये है मेन स्टेम। इस मेन स्टेम में एक फ्लोरल एक्सिस निकली और उस फ्लोरल एक्सिस की ग्रोथ रुक रही है कि कॉन्टिन्यूस है? तो मैंने बोला फ्लोरल एक्सिस इट इज कॉन्टिन्यूस ग्रोइंग, ये ग्रो करती जा रही है, और कॉन्टिन्यूस ग्रो करती जा रही है तो नीचे की तरफ ओल्ड फ्लावर निकलते जा रहे हैं, न्यू फ्लावर की ओल्ड। तो ये पहले निकला होगा, इसके बाद ये वाला फ्लावर निकला होगा, तो ये बताओ ओल्ड है कि न्यू है? और आगे वाला और न्यू। तो मैंने बोला ये एक्सिस आगे बढ़ाते जाओ फ्लावर निकलते जाएंगे, अगर फ्लावर निकलते जाएंगे तो एक्सिस कॉन्टिन्यूस ग्रो करती जाएगी क्या? तो मैंने पहला पॉइंट बोला कि फ्लोरल एक्सिस कॉन्टिन्यू टू ग्रो, एक्सिस कॉन्टिन्यू ग्रो कर रही है, ये पहला पॉइंट था जो आपको मालूम होना चाहिए रेसिमोस में। दूसरा पॉइंट मैंने बोला कि जो एक्सिस ग्रो कर रही है, दिस एक्सिस विच इज कॉन्टिन्यूस ग्रोइंग, इसमें ओल्ड फ्लावर कहां पर है? बेस स्टेम में कि एक्सिस में? एक्सिस में। तो ओल्ड फ्लावर जो है वो बेस में, ये पॉइंट आपको मालूम होना चाहिए। और बेटा जो न्यू फ्लावर आते जाएंगे वो कहाँ आते जाएंगे? वो कहाँ आते जाएंगे? एपेक्स में। तो भाई पुराने फ्लावर बेस में, नए फ्लावर एपेक्स में। इस तरीके के सक्सेशन को हम लोगों ने क्या बोला? एक्रोपिटल सक्सेशन। बोलो क्या नाम है? तो जिन जिन जगह पर एक्रोपिटल सक्सेशन होगा और ग्रोथ कॉन्टिन्यूस होती जाएगी, ऐसे इन्फ्लोरेसेंस का नाम रेसिमोस। तो यहाँ एक फ्लावर है कि मैनी? फिर से बोलो, क्या सॉलिटरी फ्लावर एक इन्फ्लोरेसेंस है? नो। क्या ये कंडीशन है? यस। जिसमें फ्लावर कितने रहते हैं? एक, दो,
या तो वो कहाँ रहेंगे, टर्मिनल पोजीशन पर, या तो वो कहाँ रहेंगे, एक्सिलरी। तो टर्मिनल सॉलिटरी और एक्सिलरी सॉलिड। अब मैं पूछूं कि भाई रेसिमोस की तीन मेन कंडीशन बता दो, बता पाओगे? एक्सिस कॉन्टिन्यूस ग्रो करती जाएगी, पुराने फ्लावर नीचे, नए फ्लावर और सक्सेशन एक्टिव। अब जरा साइमोस देखिए, साइमोस जस्ट इनके उल्टे हैं। कैसे उल्टे हैं? ये आप मेन स्टेम देख लीजिए, ये मेन स्टेम है। इस मेन स्टेम में फ्लोरल एक्सिस निकली, फ्लावर एक्सिस निकली, और जो ये फ्लावर एक्सिस निकली, इसके टर्मिनल पोजीशन पे पहला फ्लावर निकला। अगर टर्मिनल पोजीशन पे पहला फ्लावर निकल आया, अब बताओ ये एक्सिस ग्रो करेगी कि नहीं ग्रो? तो एक्सिस की ग्रोथ जो होगी वो स्टॉप, एक्सिस स्टॉप हो जाएगी ग्रो करना। अब बताओ अगर यही अकेला फ्लावर बना रहता तो ये बताओ सॉलिटरी होता कि इन्फ्लोरेसेंस? सॉलिटरी। लेकिन इसकी पेडेंकल ने, फ्लोरल एक्सिस ने नए फ्लावर निकाले, जो कहाँ निकले, बेस की तरफ की अपेक्षित। तो क्या ये नंबर वन फ्लावर है? क्या ये सेकंड नंबर पर आने वाले हैं? अब जो सबसे नए फ्लावर होंगे वो सबसे बेस। तो बताओ अगर मैं साइमोस की कंडीशन पूछूं तो तुम बता पाओगे? yes, तो एक्सिस तो स्टॉप हो गई है, बताओ ओल्ड फ्लावर कहाँ है? सर ओल्ड फ्लावर है एपेक्स में। वेरी गुड, ओल्ड फ्लावर कहाँ पर है? एपेक्स में। अब मैं पूछूं कि बेटा न्यू फ्लावर कहाँ है? तो किसी ने बोला सर न्यू फ्लावर कहाँ पर है? बेस। और इस तरीके के सक्सेशन का नाम बेसिपिटल सक्सेशन, इट इज बेसिपिटल सक्सेशन। तो सक्सेशन कितने प्रकार के पढ़ लिए? दो, एक ऑन एक्रोपिटल, एक ऑन बेसिपिटल। तो दो तरीके के सक्सेशन है और दोनों कंडीशन आपको आनी चाहिए। अगली बार मैं पूछूं रेसिमोस क्या है, साइमोस क्या है, रट्टा मारोगे? समझ पाओगे? एक में एक्सिस कॉन्टिन्यूस ग्रो करती है रेसिमोस, एक में कॉन्टिन्यूस ग्रो करना बंद हो जाती है साइमोस, एक के पुराने फ्लावर नीचे होते हैं रेसिमोस, और एक के पुराने फ्लावर ऊपर होते हैं साइमोस, एक में नए फ्लावर ऊपर होते हैं रेसिमोस, एक में नए फ्लावर बेस में होते हैं साइमोस, और बेटा एक का सक्सेशन एक्रोपिटल है रेसिमोस और एक का बेसिपिटल है साइमोस। तो कितने प्रकार का इन्फ्लोरेसेंस? दो, एक कौन रेसिमोस, दूसरा कौन साइमोस। अब इनमें स्पेशल टाइप वाला जो टॉपिक है, इट इज नॉट गिवन इन आर एनसीईआरटी, हमारी एनसीईआरटी में स्पेशल इन्फ्लोरेसेंस नहीं है। मैं यहाँ पर स्पेशल इन्फ्लोरेसेंस की तीन कंडीशन लिखता हूँ और प्लीज उन्हें नोट ही कर लीजिएगा क्योंकि कभी ना कभी वो क्वेश्चन जरूर आ सकता है। देखो स्पेशल इन्फ्लोरेसेंस में तीन कंडीशन है, एक का नाम है साइएथियम, एक कंडीशन में बोलेंगे साइएथियम। साइएथियम एक ऐसा इन्फ्लोरेसेंस है जिसमें पेडेंकल कप शेप हो जाती है। आप सुना ही नहीं आपने क्या कप शेप हो जाती है? पेडेंकल का मतलब यहां फ्लोरल एक्सिस कैसी है? लीनियर। और यहां कैसी है? कप शेप। सो पेडेंकल बिकम कप शेप, ये कप शेप हो गई। और इस पेडेंकल में एक फ्लावर निकलेगा फीमेल, सिंगल फीमेल फ्लावर निकलता है लाइक दिस, और मैनी मेल फ्लावर होते हैं और बहुत सारे मेल फ्लावर निकलते हैं। इस कप शेप कैविटी के साथ फीमेल फ्लावर सिंगल निकलता है और विथ मैनी मेल फ्लावर, इस कंडीशन को हम लोग साइएथियम बोलते हैं। ये यूफोर्बिया नाम के प्लांट में पाया जाता है, इट इज आउट ऑफ एनसीईआरटी, मैं पहले से बोल रहा हूँ इट इज आउट ऑफ एनसीईआरटी, बिल्कुल आउट एनसीईआरटी के बाहर की चीजें हैं। ना मन करे मत पढ़ना, लिख देना कि भाई ज्यादा नहीं पढ़ना उसे। पर ये स्पेशल इन्फ्लोरेसेंस कई मरतबे पूछे जा चुके हैं, इस वजह से मेरे को एक चांस नहीं लेना कि आपको कोई भी क्वेश्चन गड़बड़ हो जाए। नाउ सेकेंड इज हाइफनथोडियम, ये इन्फ्लोरेसेंस हाइपनथोडियम जो है ये एक्चुअली इन्फ्लोरेसेंस है गूलर का। कल मैंने आपको गूलर पढ़ाई थी याद है? भूल गया क्या? आप लोगों ने अंजीर नाम सुना है?
अंजीर इज नॉट अ फ्रूट, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लावर. इसका मतलब अंजीर एक इनफ्लोरेसेंस है. क्या है? इनफ्लोरेसेंस. तो बिल्कुल हाइपनथोडियम की कंडीशन भी ऐसी होती है बेटा, लाइक दिस. यहां पर जो पेडेंकल है जो यानी जो फ्लोरल लेक्सिस है, इट बिकम फ्लैसी. ये फ्लैसी हो जाती और इसी बेटा फ्लैसी पेडेंकल के अंदर मेल और फीमेल फ्लावर, बहुत छोटे छोटे मेल और फीमेल फ्लावर आ जाते हैं. तो कई बार लोग कहते हैं गूलर का फूल देखा है क्या? गूलर का फूल देख पाना थोड़ा सा नामुमकिन है, क्योंकि गूलर में जो तुम्हें दिखाई पड़ता है वो सीधे फल दिखाई पड़ता है. एक्चुअली वो फूल होता है कि इनफ्लोरेसेंस. तो हाइपनथोडियम में जो आपकी इनफ्लोरेसेंस है, जो आपका इनफ्लोरेसेंस है, पेडेंकल है, वो कैसा है? कप सेड है कि फ्लैसी है? फ्लैसी. दिस कंडीशन इज नोन एज हाइपनथोडियम. अच्छा भाई, इसके बाद स्पेशल इन्फ्लोरेसेंस में एक आता है वर्टिसिलास्टर. नाम केवल याद रखिएगा, वर्टिसिलास्टर. ये इन्फ्लोरेसेंस ऑसिमम नाम के प्लांट में पाया जाता है. ऑसिमम को हम लोग बोलते हैं तुलसी, बेसिल. अब होता क्या है, ये साइमोज का मॉडिफिकेशन फॉर्म है. किसका? साइमोज का. तो साइमोज में डाई केजियल साइम होता है. भगवान ना करे कि कभी ये क्वेश्चन आए, लेकिन एक बार सुन लो. पहले एक फ्लावर निकला, एक्सिस रुक गई, फिर उसके अगल बगल से दो फ्लावर निकले, फिर जो दो फ्लावर निकले उनके अगल बगल से दो फ्लावर निकले. इस तरीके के साइम को हम लोग बोलते हैं डाई केजियल साइम. क्या बोलते हैं? Why die? एक फ्लावर के तरफ दोनों तरफ कितने फ्लावर निकले? दो. दो मतलब die. फिर से बोलो die. देखो ये रहा एक फ्लावर, अब कितने निकलेंगे इसके अंदर? लेफ्ट और राइट में दो फ्लावर निकलेंगे, डाई केजियल. अब इन दोनों फ्लावर के लेफ्ट और राइट में दो फ्लावर निकलेंगे. इस तरीके से जब फ्लावर निकलने लगते हैं, इसे बोलते हैं डाई केजियल साइमोज. क्या बोलते हैं? हमें मालूम है कि तुम्हें कभी याद नहीं रहेगा, तुम्हें याद करना भी नहीं चाहिए, केवल तुम नाम याद करो. पहला बोलो वर्टिसिलास्टर. किस में मिलेगा? साइएथियम याद रहेगा? कहाँ मिलेगा? यूफॉर्बिया. और हाइपनथोडियम याद रहेगा? कहाँ मिलेगा? गूलर. गूलर मतलब फिग. फिग अंजीर, इसमें मिलेगा तुम्हें, फिग में मिलेगा. और जितने भी लोग कभी भी सनफ्लावर को देखते हैं, तो सनफ्लावर इज नॉट अ फ्लावर. सनफ्लावर इज अ, सुना ही नहीं मैंने, सनफ्लावर एक फ्लावर नहीं है, इट इज अ इनफ्लोरेसेंस. सनफ्लावर के बीचों बीच एक डिस्क पाई जाती है. ध्यान से सुनो, क्या पाई जाती है? डिस्क. और उसके बाद उसके चारों तरफ रेज पाई जाती हैं. हम लोग बोलते हैं ये सन रेज है. सन रेज नहीं है, ये रे फ्लोरेट्स हैं. बोलो क्या बोलते हैं? दीज आर नोन एज रे फ्लोरेट्स. जैसे ही सुनना बंद करोगे समझ में आना बंद हो जाएगा. इस सनफ्लावर के बीचों बीच जो डिस्क है, इस डिस्क में छोटे 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 फ्लावर होते हैं. डिस्क इज नॉट अ फ्लावर, डिस्क इज अ इनफ्लोरेसेंस पेडेंकल. ये फ्लोरल एक्सिस है. इन फ्लावर को हम लोग डिस्क फ्लोरेट्स बोलते हैं, डिस्क फ्लोरेट्स. क्या बोलते हैं? क्योंकि डिस्क में प्रेजेंट फ्लावर का नाम डिस्क फ्लोरेट. और उसके अलावा जो ये रे हैं, दीज आर ऑल्सो अ फ्लावर. ये कोई पेटल नहीं है, ये एक एक फ्लावर है. And these are known as ray florets. ऐसे सन रेज निकल रही हैं तो रे फ्लोरेट्स. तो ऐसा फ्लावर जिसको तुम फ्लावर कह रहे हो, ये फ्लावर है कि इनफ्लोरेसेंस है? और इस इनफ्लोरेसेंस को हम चौथा नाम देते हैं स्पेशल में. वैसे ये स्पेशल है नहीं, फिर भी चौथा नाम देते हैं. एंड दिस फोर्थ इज नोन एज हेड. बोलो क्या बोलते हैं? हेड टाइप ऑफ इनफ्लोरेसेंस. इट इज अ हेड टाइप ऑफ इनफ्लोरेसेंस. कभी भूल जाना तो याद रखना, बचपन में अगर फैंसी ड्रेस आपने कभी भी फॉलो किए हैं, फैंसी ड्रेस के कभी भी गए हो,
तो वहाँ एक ना एक बच्चा या खुद तुम ही सनफ्लावर की पोशाक पहन के जरूर आता है। और कहाँ पहनता है? हेड में। तो वैसे याद रखना कि इट इज़ अ हेड टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस। बताओ, सनफ्लावर इज अ फ्लावर और इन्फ्लोरेसेंस? और सनफ्लावर की फैमिली का ही है गेंदा, इट इज ऑल्सो नोन एज मैरी गोल्ड। बोलो क्या बोलते हैं? क्या गेंदा जानते हो? सो गेंदा इज फ्लावर और इन्फ्लोरेसेंस। तो माई डियर स्टूडेंट, गेंदा इज ऑल्सो अ इन्फ्लोरेसेंस नोन एज हेड। बोलो क्या नाम है? हेड। अब मुझे डर है कि तुम ये सारी कंडीशन मुझे वापस कर पाओगे? कर पाओगे? पहले चार कंडीशंस बताएंगे बिना देखे। पहला बोलो सॉलिटरी। बोलो सॉलिटरी। दूसरा रेसिमोल। तीसरा चौथा पक्का। सॉलिटरी कितने प्रकार के? एक सॉलिटरी एक्सियल और एक सॉलिटरी टर्मिनल। अकेला टर्मिनल पोजीशन पर और अकेला एक्साइल। बताओ एक्साइल सॉलिटरी कौन था? चाइना रोज था। पॉपी कैसा था? टर्मिनल। पक्का? अच्छा, जब तक ये रहेगा तब तक आपको शंका रहेगी कि आपको आता है कि नहीं आता। और अब कुछ नहीं है और नोटबुक देखने में मम्मी की कसम है, तो अब तुम ध्यान से देखोगे। बोलो दूसरा रेसिमोज है? रेसिमोज की तीन कंडीशंस बता पाओगे? एक्सिस। आराम से बहुत सारे बच्चों को हेडेक हो जाता है और फिर वो क्लास छोड़ देते हैं। तो एक्सिस कॉन्टिन्यूस ग्रो करेंगे। पक्का? पुराने फ्लावर, नए फ्लावर एपेक्स में होंगे सक्सेशन। क्या ये रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस है? थैंक यू वेरी मच। साइमोज याद रहेगा? पुराने फ्लावर, नए फ्लावर, एक्सिस कॉन्टिन्यूस ग्रो, बेसिपिटल होगा। बोलो क्या होगा? साइमोज। पक्का? अब अगर कोई स्पेशल बोले तो स्पेशल के नाम पर सुनील सर ने आपको चार चीजें पढ़ाई। कितनी चीजें? चार। एक कप शेप, सी फॉर कप, सी फॉर साइथियम, सी फॉर साइथियम। इसके बाद हाइपनथोडियम। बोलो। फिर वर्टिसिलास्टर। फिर से बोलो। और हेड। हेड। किसी ने बबूल का फूल देखा है? हाउ मेनी ऑफ यू? पीला कलर का होता है बबूल, इज ऑल्सो हेड। कैसा है बेटा? हेड। इट इज नॉट अ फ्लावर, इट इज इन्फ्लोरेसेंस। ये क्या है? इन्फ्लोरेसेंस। बबूल जानते हो? yes, सच में जानते हो? yes, अच्छा, अब जवाब दो। साइएथियम में जो तुम्हारी पेडेंकल होगी वो नॉर्मल की कप से है? एक फीमेल फ्लावर होगा? मैनी मेल फ्लावर होंगे? बताओ एग्जाम्पल। यू फॉरबिया। बोलो। हाइपनथोडियम याद है? पेडेंकल कैसी होगी? फ्लैसी। मेल फीमेल और गाल फ्लावर, तीन प्रकार के फ्लावर होंगे? बताओ इसका एग्जाम्पल। फेक। वर्टिसिलास्टर याद है? एग्जाम्पल बताओ। ऑसिमम, ऑल्सो नोन एज तुलसी। और चौथा याद है? बोलो। हेड याद है? सनफ्लावर क्या है? हेड है। और बताओ मैरी गोल्ड भी क्या है? हेड। बताओ सनफ्लावर इज अ फ्लावर और इन्फ्लोरेसेंस? गेंदा एक फूल है कि बेटा इन्फ्लोरेसेंस है? अच्छा बताओ सूरजमुखी एक फूल है कि इन्फ्लोरेसेंस है? क्या इसके डिस्क में फ्लावर होते हैं? नोन एज डिस्क फ्लोरे। क्या इसके रे में फ्लावर होते हैं? नोन एज रे फ्लोरे। तो दिस वॉज द मैक्सिमम जो मुझे बताना चाहिए। और भी इन्फ्लोरेसेंस बहुत है लेकिन एनसीईआरटी में तो बहुत ही कम दिया है। एनसीईआरटी में कितना दिया है? दो। एक कौन? रेसिमोस और एक साइमोस। इन्फ्लोरेसेंस के बाद जो मेजर टॉपिक हमको पढ़ना है इट इज अ फ्लावर। और बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बिल्कुल प्रॉमिस कर रहा हूं कि अगर फ्लावर आपने अच्छी तरीके से समझ लिया तो फैमिलीज आपकी जेब में अपने आप आ जाएंगी। जो फैमिलीज आपके कोर्स में है जिसको तुम बड़ा हवा मानते हो कि सर फैमिलीज पढ़ना मुश्किल है, वो अपने आप जेब में आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि फैमिलीज ज़्यादातर फ्लोरल करेक्टर की बेसिस पर क्लासीफाई की जाती है। किसकी बेसिस पर? तो फैमिलीज आर मेनली क्लासीफाइड ऑन द बेसिस ऑफ फ्लोरल। वेजिटेटिव करेक्टर्स भी लेते हैं लेकिन मेनली फ्लोरल। पक्का? चालू करें। देखो भाई, सबसे पहले तो व्हाट इज फ्लावर? तो बोलते हैं फ्लावर इज मॉडिफाइड सूट। फ्लावर इज मॉडिफाइड सूट।
कई बार साइंटिस्ट का नाम दिया, पीछे से आवाज भी आई कि सर हमें मालूम है वो साइंटिस्ट कौन है, याद है? गोएथे। गोएथे साहब ने बोला कि फ्लावर इज मॉडिफाइड सोल। फिर मैंने आपको फ्लावर बनने की कहानी बताई, मैंने बोला आप एक स्टेम लीजिए और स्टेम का एपिकल मेरिस्टेम देखिए, एपिकल मेरिस्टेम, और फिर मैंने बोला इस एपिकल मेरिस्टेम में दो चेंजेस आपके सामने सामने होंगे, बोलो। भूल गया क्या, यहां पर कुछ हार्मोनल चेंजेस आएंगे? अच्छा, यहां पर कुछ हार्मोनल चेंजेस आएंगे, हार्मोनल चेंजेस, और उन हार्मोनल चेंजेस की वजह से यहां पर स्ट्रक्चरल चेंजेस भी आने लगेंगे। कैसे चेंजेस? तो मैंने बोला था हार्मोनल चेंजेस और स्ट्रक्चरल चेंजेस के आने की वजह से यहाँ एक स्ट्रक्चर बनेगा, बोलना बताओ, इट इज नोन एज फ्लावर प्रिमोर्डिया। फिर से बोलो, दिस इज नोन एज फ्लावर प्रिमोर्डिया, यस और नो? और यही फ्लावर प्रिमोर्डिया आगे चल के बनाएगी बड। क्या बनाएगी? बड। देखो बेटा, जैसा तुम्हारा टीचर होता है वैसा बिहेव करोगे तो कंडीशन बड़ा मुश्किलें कम हो जाएंगी, वरना टीचर एक पागलपन से शिकार होता है, वो बार बार चिल्लाएगा। आप बहुत सीक्वेंस तरीके से समझने की कोशिश करो, मुझे जवाब देते जाओ, मुझे लगेगा आपको आ गया। बचाओ इधर बिना देखे, फ्लावर इज मॉडिफाइड सोल, एपिकल मेरिस्टम में गए, एपिकल मेरिस्टम में कितने चेंजेस आए? एक कौन, दूसरा? आगे चल के मैं इस हार्मोन का नाम भी बताऊंगा, आपको चिंता मत करना, मैं बताऊंगा ये हार्मोनल स्ट्रक्चरल चेंजेस से क्या बना, फ्लावर प्राइमोर्डिया। बोलो क्या? फ्लावर प्राइमोर्डिया आगे चल के क्या बनाई? बड। और जब इस बड में हुई एंथेसिस, क्या हुई? एंथेसिस। एंथेसिस का मतलब होता है बड का खिल जाना, तब इससे जो स्ट्रक्चर बना उसे बोला गया फ्लावर। क्या बोला गया? फ्लावर। अगर इतना बता दोगे तो मैं इसे हटा देता हूं। ओके, फ्लावर इज मॉडिफाइड सूट किसने बोला? गोएथे ने बोला। ये भी बोला कि कितने प्रकार के चेंजेस आएंगे? दो। एक कौन? हार्मोनल। दूसरा स्ट्रक्चर। क्या चेंजेस आने की वजह से वहां कोई स्ट्रक्चर बनेगा? नाम बताओ। फ्लावर प्राइमोर्डिया, और फ्लावर प्राइमोर्डिया फिर किसमें कन्वर्ट होगी? बर्ड, और बर्ड फिर एंथेसिस करेगा, क्या बनाएगा? बोलते हैं फ्लावर जिस स्टॉक में होता है, फ्लावर जिस स्टॉक में पाया जाता है, जिस डंडी में पाया जाता है, उस स्टॉक को हम लोग बोलते हैं पेडिसेल, पेडेंकल की पेडिसेल, पेडिसेल। याद रहेगा? उस पेडिसेल का ऊपरी भाग जो स्वेलन हो जाता है, इट इज नोन एज थैलमस, ऑल्सो नोन एज रिसेप्टिकल। So, we have pedicel, और pedicel के बाद यहां पर है thalamus। अब ध्यान सुनना, इस thalamus के अंदर there are four nodes and internode which are condensed। अब सुनोगे नहीं तो बताओ, thalamus में node और internodes expanded है कि condensed? So there are nodes which are condensed in form, condensed node है, एक दूसरे के ऊपर एकदम चपके हुए nodes है। और बताओ नोड से क्या निकलती हैं? क्या निकलती हैं? लीफ। कल पढ़ाया था लीफ, और लीफ कहां से निकलती हैं? नोड्स। तो बताओ यहां पर कितने नोड हैं? बताओगे नहीं? चार हैं। तो कितने प्रकार की लीफ निकलेंगी? नहीं सुना मैंने? और इन चारों लीफ को बोलते हैं फ्लोरल लीफ्स। क्या बोलते हैं? फ्लोरल। इन फ्लोरल लीफ में जो सबसे पहली लीफ निकलती है, इट इज नोन एज कैलिक्स। फिर से बोलो, कैलिक्स। और कैलिक्स की हर एक पत्ती का नाम है सेपल। कैलिक्स के बाद यहां पर एक लीफ का ग्रुप निकलता है, दैट इज नोन एज कोरोला। इट इज नोन एज कोरोला। इसकी इंडिविजुअल लीफ का नाम है पेटल। आपने चाइना रोज देखा? Yes, गुड़हल देखा है? Yes, उसकी जो सबसे बाहरी हरी पत्तियां होती हैं उनका नाम सेपल।
हरी पत्तियां yes. और उनके ग्रुप का नाम yes. फिर लाल लाल पत्तियां yes. yes. पेटल और ग्रुप का नाम yes. एक बात याद रखनी है कि फ्लावर का जो भी कलर होता है वो उनके कैलिक्स की वजह से होता है कि कोरोला yes. बताओ रोज अगर बेटा पिंक है तो कोरोला भी yes. अब जवाब दो yes. पक्का yes. अगर गुड़हल लाल है तो कोरोला भी लाल होगा। अगर मैं कोई फ्लावर पीला बोलूं, सरसों का पौधा, सरसों का फ्लावर पीला है तो उसका कोरोला भी पीला होगा। तो कलरफुल पार्ट कौन सा होता है? हाँ, कोरोला। अच्छा बताओ, और जनरली ग्रीन पार्ट कौन होता है? कैलिक्स। ठीक ठीक है। इसके बाद तीसरा स्ट्रक्चर निकलता है, जो निकलता है स्टैमेन से, एंड दिस इज नोन एज एंड्रूसियम। फिर से बोलो, थैंक यू वेरी मच, इट इज एंड्रूसियम। एंड्रूसियम की इंडिविजुअल पत्ती का नाम है स्टैमेन। स्टैमेन इज ऑल्सो नोन एज माइक्रो स्पोरोफिल। मैं पूरा पढ़ा चुका हूं, जो लोग मेरे साथ पढ़ रहे हैं वो जवाब देने ही चाहिए। अब मैं बोलूं एंड्रूसियम का दूसरा नाम स्टैमेन होगा क्या? नो। हाँ बोलने वाले थप्पड़ मारे अपने आप को। एंड्रूसियम का दूसरा नाम स्टैमेन होगा क्या? नहीं। एंड्रूसियम इज मेड अप ऑफ स्टैमेन का दूसरा नाम। अच्छा बताओ, कैलिक्स का दूसरा नाम सेपल होगा क्या? कैलिक्स इज मेड अप ऑफ कोरोला का दूसरा नाम पेटल होगा क्या? कोरोला इज मेड अप ऑफ पेटल। तो तीन चक्र तो दिख गए, पहला चक्र कैलिक्स, दूसरा कोरोला, तीसरा एंड्रूसियम, और जो सबसे सेंटर में मिलेगा इट इज गाइनीसियम। इट इज गाइनीसियम। गाइनीसियम एंड इट इज मेड अप ऑफ कार्पेल। ये कार्पेल का बना होता है। सो कभी भी फ्लावर आप देखोगे तो आपको चार वर्ड मिलेंगे, इसके अलावा थैलमस मिलेगा, इसके अलावा पेडिसेल मिलेगा। इतना डिटेल में पढ़ाने का कारण क्या है? क्योंकि इनसे आपकी फैमिलीज के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, इसलिए मैं कोई रिस्क नहीं ले सकता कि तुम पेडिसेल जानते हो क्या, तुम थैलमस जानते हो क्या। अब तुम्हें जानना ही पड़ेगा। बताओ, पेडिसेल क्या वो स्टॉक है? वो डंडी है जिसमें फ्लावर होता है? उस डंडी का एक सिरा फूला होता है, उसका नाम, उसमें नोड्स और इंटर नोड्स कंडेंस होते हैं, अलग अलग के भीतर चपके हुए चपके, और उन नोड्स में क्या निकलती हैं? लीव। सबसे बाहर कैलिक्स, फिर कैलिक्स की पत्तियों का नाम सेपल, और कोरोला की पेटल, और एंड्रूसियम की पत्तियों का नाम स्टैमेन, और गाइनीसियम की अब सुनना, कोरोला एंड कैलिक्स दीज आर एसेसरी वर्ड। ये ना भी होती तो चलता, एसेसरी वर्ड। ये एसेसरी वर्ड माने जाते हैं, एसेसरी चक्र है, ना भी हो तो चलेगा। लेकिन एंड्रोसियम एंड गाइनीसियम दे आर इसेंशियल वर्ड, इसेंशियल। Why they are known as essential word? Because flower is a site for sexual reproduction. और sexual reproduction reproductive organ के बिना नहीं हो सकता। And androecium is a male reproductive organ, while gynoecium is a female reproductive organ. So male और female reproductive organ किसी भी flower में accessory parts हो करते हैं कि essential? Essential. और एसेसरी कौन कौन? कैलिक्स एंड कोरोला। कैलिक्स एंड कोरोला दे आर एसेसरी, एंड एंड्रूसियम एंड गाइनीसियम दे आर एसेसरी, सॉरी इसेंशियल। और अगर चारों वर्ल्ड किसी फ्लावर में है, इफ ऑल वर्ल्ड्स आर प्रेजेंट इन अ फ्लावर, फ्लावर इज नोन एज कंप्लीट फ्लावर। अगर किसी भी फ्लावर में चारों चक्र प्रेजेंट है, देन दीज आर नोन एज
कंप्लीट फ्लावर, ये एक सिंपल बात है फ्लावर को लेकर के, जो आपको आनी ही चाहिए, इतना तो आपको आना चाहिए। और फिर इनमें मैं कुछ वेरिएशन सिखाता हूँ, आप वो सारे वेरिएशंस मेरे साथ सीखिए और धीरे धीरे आगे बढ़ते जाइए। चलो ध्यान से, क्या आपको स्टॉक दिखी? Yes, स्टॉक का ऊपरी स्वेलन पार्ट दिखा? Yes, स्वेलन पार्ट का नाम? Yes, थैलमस में नोट्स और Yes, हैं? Yes, उनसे कितने चक्र निकले हैं? Yes, सबसे बाहर Yes, फिर Yes, फिर Yes, फिर Yes, कैलिक्स की इंडिविजुअल लीफ कोरोला एंड्रूसियम गाइनिसियम, दो एसेसरी वर्ल्ड है बोलो, दो एसेंशियल हैं बोलो कौन, एंड्रूसियम है गाइनिसियम, चारों अगर हैं तो कंप्लीट फ्लावर हो गए। अब ध्यान सुनना, देर आर सम फ्लावर, कुछ ऐसे फ्लावर हैं वेयर यू कैन नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन कैलिक्स एंड कोरोला। आप कैलिक्स और कोरोला में डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे। जनरली कैलिक्स इज ग्रीन और कलरफुल, इसका मतलब मैंने कुछ पढ़ाया ही नहीं। जनरली कैलिक्स इज कोरोला इज कलरफुल। अगर दोनों कलरफुल हो जाए और दोनों पता ही ना चले कौन अंदर कौन बाहर, बताओ तो क्या कैलिक्स और कोरोला को डिफरेंशिएट कर पाओगे? नहीं। So when we cannot differentiate between calyx and corolla, when we cannot differentiate between calyx and corolla, this condition is known as perianth. An individual leaf of the perianth is known as tepal. Perianth ki har ek patti ka naam na sepal hoga, na petal hoga, it will be tepal. It will be tepal. Now, ek variation ye hua. Dusra variation. In a flower, we have calyx and we have corolla, but we have only androecium, no gynoecium. दिस बताइए कंप्लीट है कि इनकम्प्लीट? कंप्लीट इनकम्प्लीट फ्लावर है, लेकिन इसमें क्या नहीं है? तो ऐसे फ्लावर को हम बोलेंगे मेल फ्लावर, बोलो क्या बोलेंगे? और मेल फ्लावर इज यूनिसेक्सुअल की बायसेक्सुअल? दीज आर यूनिसेक्सुअल फ्लावर, और ऐसे फ्लावर को बोलेंगे स्टेमिनेट। व्हाई स्टेमिनेट? पता ही नहीं है सर, क्योंकि केवल क्या प्रेजेंट है? एंड्रूसियम, और एंड्रूसियम की इंडिविजुअल लीफ का नाम स्टैमेन, तो केवल क्या प्रेजेंट है? स्टैमेन, तो स्टैमेन प्रेजेंट रहने वाले फ्लावर का नाम स्टैमेन। ओके, आगे सुनो, इफ वी हैव द कैलिक्स एंड कोरोला अलोंग विद गाइनिसियम एंड देयर इज नो एंड्रूसियम, बताइए ये मेल फ्लावर है कि फीमेल? और ये फीमेल फ्लावर भी यूनिसेक्सुअल है कि बायसेक्सुअल? यूनिसेक्सुअल। और ऐसे फ्लावर को हम लोग क्या बोलेंगे? पिस्टिलेट फ्लावर। तो पिस्टिलेट फ्लावर हो कि बेटा स्टेमिनेट फ्लावर हो, दीज आर कंप्लीट कि इनकम्प्लीट? कंप्लीट। और अगर बेटा चारों चीजें हो, कैलिक्स भी, कोरोला भी, एंड्रूसियम भी और गाइनिसियम भी, इट इज यूनिसेक्सुअल फ्लावर की बायसेक्सुअल? हाँ, तो सेक्सुअलिटी फ्लावर में दो प्रकार की, या तो, अरे यार बोलो, या तो, और यूनिसेक्सुअल में भी कितने प्रकार के? दो, या तो मेल या तो फीमेल। मेल वाले का नाम स्टैमिनेट, फीमेल वाले का नाम पिस्टिलेट। मेल वाले का नाम स्टैमिनेट, फीमेल वाले का नाम पिस्टिलेट। नींद आ रही है? सर आप ऐसा कुछ कर ही नहीं रहे हो कि नींद ना आए। क्या करना होता है? चुटकुले सुनाने होते हैं, डांस करना होता है, या फिर चिल्लाना होता है दम भर कर। तुम चिल्लाओ तो दूसरा सरदर्द हो जाए, चिल्लाएंगे तो नहीं आ जाएंगे, आराम आराम से पढ़ेंगे भारत माता की जय, नहीं है
अच्छा बताओ, क्या आपको फ्लावर दिखाई पड़ रहा है? फ्लावर में क्या हो रहा है? फ्लावर इज अ मॉडिफाइड सूट है। गोयथे साहब बोले थे चार नोड और इंटर नोड कंडेंस है, बाहर वाला ख्याल है, फिर फिर क्या हमने सेक्सुअलिटी डिफाइन कर ली? सेक्सुअलिटी में यूनिसेक्सुअल या फिर एंडोसम गायनोसम दोनों हैं तो यूनिसेक्सुअल। अगर बेटा उनमें से कोई एक है तो मेल है तो स्टैमिने, फीमेल है तो याद रहेगा। तो दिस वॉज द सेक्सुअलिटी ऑफ फ्लावर। सेक्सुअलिटी के बाद देर इज अ सिमेट्री ऑफ फ्लावर। भाइयों बहनों, आप लोगों ने बचपन में ये फ्लावर बहुत बनाए हैं साड़ी का किनारा में। सो हाउ मैनी ऑफ यू जिन्होंने ड्राइंग में साड़ी का किनारा बनाया है? अब देखिए, अगर कोई फ्लावर ऐसा है, मुझे मालूम है कि तुम्हारा मन नहीं लग रहा, लेकिन फिर भी लगाओ। लग रहा है? कुछ उधर जमाई मारते हैं तो मुझे खराब लगता है। बताइए, क्या ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है? दो पेटल इधर, दो पेटल इधर, और इस पेटल का आधा इधर, आधा इधर, क्या ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है? एक प्लेन की मैनी? एक। अच्छा, ये दूसरा प्लेन ऑफ सिमेट्री है? नो सर। क्या ये तीसरा प्लेन ऑफ सिमेट्री है? अच्छा, येलो कलर से बनाए तो शायद तुम्हें प्लेन ऑफ सिमेट्री ज्यादा अच्छे तरीके से दिखाई पड़े। बताइए, क्या ये एक प्लेन ऑफ सिमेट्री है? क्या ये दूसरा प्लेन ऑफ सिमेट्री है? क्या ये तीसरा प्लेन ऑफ सिमेट्री है? अच्छा बताओ, ये चौथा प्लेन ऑफ सिमेट्री है? और ये पांचवा प्लेन ऑफ सिमेट्री है? बताइए, वन प्लेन ऑफ सिमेट्री की मैनी? जब मैनी प्लेन ऑफ सिमेट्री हो, इस तरीके की सिमेट्री को हम लोगों ने एनिमल में किस नाम से पढ़ा था? रेडियस। लेकिन रेडियल सिमेट्री इन फ्लावर इज नोन एज एक्टिनोमॉर्फिक। बोलो क्या नाम? जब तक कुछ ना बोला जाए, मोस्ट ऑफ द फ्लावर आर एक्टिनोमॉर्फिक। ज्यादातर फ्लावर, सो जाओ तो, ज्यादातर फ्लावर, पता नहीं आदत ही बन गई केमिस्ट्री चिल्ला के पढ़, सॉरी बायोलॉजी चिल्ला के पढ़ने, ज्यादातर फ्लावर। अगर मैं बोलूं सोलनेसी का फ्लावर, कल सिखाया था सोलनेसी, सिखाई थी कितने लोगों की क्लास? आज पहली क्लास है। सोलनेसी वो फ्लावर होते हैं जिनमें टोपी हो। क्या हो? बैगन में टोपी है, टमाटर में, मिर्च में, धतूरा में, आलू में। Yes, आलू इज नॉट अ फ्रूट, इट इज अ सेल। तो आलू का अगर फ्रूट होता तो क्या उसमें टोपी होती? Yes, sir. सर सुनील सर के पास भी टोपी है, फैमिली बड़े कस। टीचर का कोई नाम कर पाए बस, बताओ सोलनेसी हो गया। सोलनेसी कौन सी फैमिली है? कैप वाली, बैगन। सोलनेसी फैमिली का नाम लो, बैगन, धतूरा, टमाटर, मिर्ची, पक्का, आलू, मकोई, और पूरी सोलनेसी, इट इज एक्टिनोमॉर्फिक। लोग मुझसे एक एग्जांपल पूछते हैं, मैं उनको दस बताता हूँ। मेरे बच्चे रट्टा मारते नहीं है। अच्छा, एक फैमिली बताई थी मैलवेसी, याद है? गुड़हल की फैमिली है। गुड़हल को दो लोगों को और बताया था, बोलो कौन? मैंने कहा था भिंडी, कॉटन और चाइना रोज। सुनो फिर से, भिंडी, कॉटन, चाइना रोज। फैमिली मैलवेसी। मैलवेसी एक्टिनोमॉर्फिक है। अब कुछ बैठे हैं कि पता नहीं एग्जांपल कब लिखाएगा। मैं लिखाने खाने वाला नहीं, पूछने वाला हूं। बताओ भिंडी कैसी? एक्टिनोमॉर्फिक। धतूरा कैसा? धतूरा की धतूरा का फ्लावर, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, लेडीज फिंगर कैसी? कॉटन कैसी? तो दो फैमिली पढ़ा दी, एक कौन सी पढ़ाई और दूसरी?
तीसरी फैमिली है प्याज वाली, कौन सी? दिस इज नोन एज लिलियस, एक्टिनोमॉर्फिक। कैसी है? तो मैं बोलूं, अगर मैं बोलूं प्याज का फ्लावर, लहसुन का फ्लावर, तो ये सब कैसी है? एक्टिनोमाइस। फिर एक मैंने सरसों का फ्लावर बताया था, सरसों याद है? फैमिली का नाम ब्रैसी कैसी, उसी में मूली था। तुम्हारे बच्चे कैसे जानते हैं? जानते नहीं है, सब्जियां देखी बस नाम ले रहे हो। आलू, भिंडी, भिंडी, सरसों, प्याज, लहसुन। क्या गजब आदमी हो तुम लोग, तुमको तो एक मिनट में याद आ गया। अभी इसमें मैंने मटर, और मैं डर रहा हूं कि कहीं मैंने मटर बोला वो एक्टिनोमॉर्फिक नहीं है। तो भाइयों बहनों, मटर को यहां बक्स देना। अब बताओ ज्यादातर फ्लावर कैसे हैं? एक्टिनोमॉर्फिक। और आपकी बुक में तीन एग्जांपल दिए हैं, क्या बता पाओगे वो तीन एग्जांपल? बताओ। एक एग्जांपल उन्होंने क्या दिया है? चाइना रोज। अब बताओ मेरे बच्चे चाइना रोज बोलेंगे कि फैमिली? बोलो फैमिली। मैलवेसी। अगर ऐसे बोलने लगे तो सब कुछ अपनी जेब में रख के जाओगे। फैमिली का नाम। दो और एग्जांपल, कॉटन एंड लेडी फिंगर। अच्छा एक और एग्जांपल बताओ, बस यही दिया है एक्टिनोमॉर्फिक में, यही दिया है। मस्टर्ड दिया है? अरे तो जो तुम्हारी एनसीईआरटी में दिया वो बताओ, वो सिखा रहे तुम्हें। मस्टर्ड दिया है, मस्टर्ड की फैमिली ब्रैसी कैसी। इसके बाद चिली दिया है, फैमिली सोलेनेसी। और धतूरा दिया है, फैमिली सोलेनेसी। धतूरा में टोपी है, मिर्ची में टोपी है, ये दोनों सोलेनेसी के हैं। ये भैया ब्रैसिका के हैं, और ये भैया। अब वो बच्ची मुझसे कह रही, सर आपने गलत पढ़ा दिया, चाइना रोज इज नॉट एक्टिनोमॉर्फिक। अरे बिटिया है, अरे चुप रहो, हटाओ, तुम क्या कह रहे थे? अपने टीचर को एक बार गलत साबित कर लो, फिर इतना खुशी मिलती है, देखा इनको भी नहीं आता है। और जो दिल को अच्छा लगता है इनको भी नहीं आता है, ऐसे ही है, पता नहीं कैसे पढ़ा रहे। और एक बार आप किसी भी क्वेश्चन में टीचर को फंसा दो, बस तुम्हारी पूरी पीएचडी हो गई। अब तुम्हारा सिलेक्शन हो या ना। सूर्य कह रहे मैं एक दिन ऐसा क्वेश्चन पूछूंगा सुनील सर से, सुनील सर बता ही नहीं पाएंगे, और फिर कहेंगे इनको कुछ आता रहता। हम भी बहुत करते थे, और जितने साल ये किया उतने साल सिलेक्शन ही नहीं हुआ। फिर तीसरे साल अकल आई कि ज्ञान टीचर का नहीं बढ़ाना है, अपना बढ़ाना। हाँ बेटा, पांच छह महीने, मीडियम वहां टीचर ही है ना। पर मोस्ट ऑफ द टाइम जब भी हम बैठे होते, तुम तो अच्छे बच्चे हो, आई वॉज द मोस्ट, यू नो, मैं तो बहुत ही बदतमीज बच्चा था। मतलब मुझे टीचर देख ले और कहता था ये क्यों आ गया। और मैं टीचर से वही क्वेश्चन पूछता था जिसमें टीचर परेशान हो, और टीचर से क्वेश्चन पूछने के बाद मैं बगल वालों को देखता था, इनको नहीं आएगा। तो लोग हमसे पूछते थे भाई इतना नॉलेज है कहाँ से, बड़ा ढूंढ के निकाला है। और इस ढूंढ के निकालने के चक्कर में दो साल लगे रहे, दो साल के बाद समझ में आया कि ज्ञान सर का नहीं बढ़ाना है, अपना बढ़ाना है ना। अभी भी बहुत सारे लोग मिलते हैं, जब मैं पहले साल पढ़ाने आया, फर्स्ट ईयर था मेरा 2013-14 बैच ये था, तो मैं MBBS करके पढ़ाने आया। तो जब मैं पढ़ाने आया तो बॉटनी तो मुझे आती नहीं थी, जॉलजी में पढ़ा सकता था, ह्यूमन फिजियोलॉजी वगैरह पढ़ के आया था MBBS करके। तो मैंने अपने टीचर गुरुदेव से बोला कि सर हमको तो जूलॉजी आती है। बोले ना पढ़ानी तो बायोलॉजी पढ़ेगी। हमने कहा आती नहीं है, तो बोले पढ़ो और पढ़ाओ। और ये बात हमारे स्टूडेंट को समझ में आ गई थी। आता जाता इनका कुछ है नहीं, तो मैं रात भर पढ़ता था, और सुबह पढ़ाने आता तो चार पांच ऐसे खड़े रहते थे।
सर्गो फैमिली बताओ। तो कई मर्द पे मुझे ऐसा लगता था कि तुम नॉलेज टेस्ट करते हो टीचर का, क्योंकि मैं करता था। फिर मैंने एक तरीका निकाला, नहीं आता बताओ क्या करोगे। है ना, इस दुनिया में ब्रह्मा जी हमको ज्ञान नहीं भेज रहे कि जाओ सुनील जो मैंने तुम्हें ज्ञान दिया वो किसी को और मिलेगा ही। हम सब टीचर यहीं से बनते हैं, यहीं से पढ़ते हैं, यहीं से सीखते हैं, यहीं से पढ़ाते हैं। जो हमको सीखने को आया, जो हम सीख पाए वो हमने आपको डिलीवर किया। हो सकता है कुछ कमी रह जाए, लेकिन बजाय मेरा नॉलेज चेक करने के आपको यहाँ से निकल के अपना MBBS का रास्ता देखना है। ये दो छोटी छोटी NCERT हैं। आज मुझे ऐसे लगता है कि आज मैं तैयारी कर रहा होता तो NCERT को एक साल में कम से कम 10 बार पढ़ डालता मैं। आज लगता है, पता नहीं क्यों गलत फहमी, क्योंकि जब हम लोग पढ़ते थे तो हमारे पास ये मोटी रमेश गुप्ता करके बुक होती थी, इतनी ही मोटी MP कौशिक बुक होती थी, और उसके बाद 4 NCERT होती थी, 11th की 2 और 12th की 2। तो हम कुल मिलाकर के 4 वो NCERT, 1 MP कौशिक, 1 रमेश गुप्ता, इतना पढ़ते थे साल भर में। और किसी से कोई भी शिकायत नहीं करते थे कि यार नहीं ये क्यों इतना ज्यादा है। और आज तुम लोगों के साथ समस्या क्या है कि हर बच्चा जिसने 12th में बायो लिया, आई एम सॉरी टू से मुझे आपको इतना हताश नहीं करना चाहिए पर मैं कर रहा हूं, वो जन्म सिद्ध अधिकार मान लेता कि मैंने 12th में बायोलॉजी लिया है, अब तो मुझे क्या लगाना है डॉक्टर अपने नाम के आगे। अच्छा, जब हम लोग तैयारी करने आते थे तो बिल्कुल कफन अफन बांध के आते थे, या तो सेलेक्ट होंगे या तो मरी जाएंगे। मरेंगे नहीं, मतलब हमारे पिताजी ने कहा कि BSc कर लो, हमने कहा BSc नहीं करेंगे। पहले साल सिलेक्शन नहीं हुआ, दूसरी साल सिलेक्शन नहीं हुआ, तीसरी साल भी सारे एग्जाम हो गए, CPMT नहीं हुआ तो मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। मेरे साथ तैयारी करने वाले लोगों ने BSc कर रखी थी, वो ग्रेजुएट हो गए। BSc कितनी डिग्री? 3 साल। और मेरे पिताजी ने कहा कि तुम केवल 12th क्लास में हो, क्या होगा तुम्हारा? हमने कहा आलू बेच लेंगे। पर ये था जिद कि मैं कुछ करूंगा, डॉक्टर बन के रहूंगा। और मेरे से ज्यादा बेवकूफ कोई स्टूडेंट नहीं था। एक कहानी में कई बार सुना चुका हूं क्लास में, मैं जब तैयारी करने आया मेरा टीचर मुझसे बोलता है सल्फ्यूरिक एसिड जानते हो? मैंने कहा यस सर। बोल फार्मूला बोलो। मैंने कहा HCl। जब मेरे केमिस्ट्री टीचर ने मुझसे पूछा डू यू नो अबाउट द मोल, ही वॉन्ट टू नो द वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट। मैंने कहा हाँ सर, मोल माने मस्सा, मोल ऑन द आईब्रो। वो बोले बेटा कहाँ से आया? हमने गांव का नाम बताया। बोले वापस चले जाओ, तुम्हारा मेंटल लेवल ही नहीं है कि तुम डॉक्टर बन पाओगे। बड़ा हताश हो गया मैं यार कि मेरा मेंटल लेवल नहीं है, मुझे मोल नहीं मालूम, मोलरिटी नहीं मालूम, और मैं 12th कैसे पास हो गया था नकल करके। ये सच है, हमारा एक दोस्त था उससे कहते थे भैया नकल करा देना पास हो जाएंगे, किसी तरीके से पास वास होकर के चला आया था। अगर मेरे जैसा बेवकूफ कम इंटेलिजेंस कम IQ वाला बच्चा सेलेक्ट होकर के MBBS करके आ सकता है, और तुम जैसे लोगों इंटेलिजेंट लोगों को पढ़ा सकता है, तो यहाँ पर बैठा हुआ हर बच्चा कुछ भी कर सकता है। बजाय इस बात के कि तुम लोग इसमें जिरह करोगे जिन लोगों के पास ये होता है। अब ये शब्द रह जाते हैं, यहाँ लिख तो देता हूं मैं, लेकिन ये शब्द रह जाते हैं जब तक इन्हें फॉलो ना किया जाए। इट इज नोन एज डिटर्मिनेशन। कुछ भी हो जाए करके ही छोड़ेंगे। हमने तो बता ही दिया था पिताजी से, या तो आला लगाएंगे, आला मतलब स्टेथो, और या तो आलू। तो आला 3 साल लगा नहीं, पिताजी ने कहा आलू की ठेल खरीद दें। तो डिटर्मिनेशन जिसके भी अच्छे हैं, और जो भी डिसिप्लिन में रहेगा, डी फॉर डिटर्मिनेशन, डी फॉर डिसिप्लिन। तो जो लोग डिटर्मिनेशन और डिसिप्लिन के साथ चलेंगे उनके चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसे मेरा सिलेक्शन हो गया, क्यों? क्योंकि मैंने एक साल के बाद दूसरे साल के बाद से ये सोचना छोड़ दिया कि दूसरों को क्या आता है, मुझे कितना आना चाहिए इस पे ध्यान देना हो गया। खैर अब इधर आओ,
हम लोगों में यहाँ पर सिमेट्री कैसे दिख रही है, वन प्लेन की मैनी प्लेन? सो मैनी प्लेन वाला फ्लावर, मैनी प्लेन ऑफ सिमेट्री वाला क्या कहलाएगा? एक्टिनोमॉर्फ। और वहां पर तीन एग्जाम्पल दिए हैं, हम मेरे बच्चे एग्जाम्पल की बजाय फैमिली का नाम बताएंगे। बोलो धतूरा, चाइना रोज, पता मस्टर्ड, ब्रैसिकस, चिली, पक्का। इसके बाद एक फ्लावर आपके सामने मैं बनाने जा रहा हूँ, इसको भी ध्यान से देखो। इस फ्लावर के एक बड़ी सी पेटल है, दो छोटी छोटी पेटल्स हैं जिन्हें विंग्स बोलते हैं, और एक और पेटल का ग्रुप है जिसे बोलते हैं कील। अब इस फ्लावर में पांच पेटल हैं, लेकिन इसे केवल एक प्लेन ऑफ सिमेट्री से ही दो भागों में बांटा जा सकता है। ये वाला आधा इधर, आधा इधर, एक इधर, एक इधर, और ये वाला आधा इधर, आधा इधर। इसका मतलब है इस सिमेट्री में कुछ कुछ बाइलेटरल कंडीशन है। कैसी है? बाइलेटरल। इसका मतलब है इसे दो इक्वल हाफ में केवल एक प्लेन ऑफ सिमेट्री से बांटा जा सकता है। इट इज नोन एज जाइगोमॉर्फिक। बोलो क्या नाम है? मैंने पहले भी बोला था जाइगो का मतलब होता है पेयर। अगर केवल एक प्लेन इसे एक पेयर में बांट दे, एक प्लेन ऑफ सिमेट्री से दो इक्वल हाफ में बट जाए, इट इज नोन एज एक्टिनो की जाइगो। और जाइगोमॉर्फिक के दो ही एग्जाम्पल है मेनली। पहला एग्जाम्पल है फैमिली फैबेसी, कल मैंने सिखाई थी, सब लोग भूल गए। फैबेसी फैमिली दाल वाली फैमिली है। कौन सी? अब फैबेसी फैमिली के एग्जाम्पल, पी होगा, ग्राउंड नट, राजमा, अरहर, मूंग, सोयाबीन, सब इसी की फैमिली है। बोलो कौन सी? फैबेसी। तो तुम एक एग्जाम्पल पूछो, मैं तुम्हें 10 एग्जाम्पल बताने वाला हूं। इसका मतलब जाइगोमॉर्फिक में पी होगा, बीन होगा। इस फैबेसी फैमिली के अलावा एक और फैमिली है, दैट इज अ लिटिल बिट डिफिकल्ट। मैं उसका नाम नहीं लूंगा, वैसे तो सीजर पिनोइडी बोलते हैं उसे, बट उसके दो मेंबर हैं। बस मैं उनसे कहता हूं कि उनके दोनों के नाम लिख लो। एक है गुलमोहर, बोलो क्या बेटा? गुलमोहर। और दूसरा कैसिया। ये फैबेसी के नहीं है, मैं बता दूं। सो गुलमोहर और कैसिया भी जाइगोमॉर्फिक हैं, दे आर ऑल्सो जाइगोमॉर्फिक। तो व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन एक्टिनोमॉर्फिक एंड जाइगोमॉर्फिक? इट इज डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ, इट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ विद मैनी प्लेन ऑफ सिमेट्री विद सिंगल प्लेन ऑफ सिमेट्री। एक प्लेन ऑफ सिमेट्री से दो इक्वल हाफ में बांटा जा सके, इट इज जाइगोमॉर्फिक। If many plane of symmetry से दो equal half में बांटा जा सके, it is actinomorphic. Actinomorphic की families चार थी, बोलो कौन? Solanaceae, Malvaceae, Brassicaceae, ये भी कौन है? Solanaceae, इसके अलावा Liliaceae, याद है? तो रट्टा मारने की जरूरत नहीं। अब इधर आओ, जाइगोमॉर्फिक में फैमिली का नाम फैबेसी, और फैबेसी के एग्जाम्पल बहुत सारे हैं। बोलो कौन? पी बी, इन्होंने दो दिए तो मैंने आठ बताओ। पी बी, ग्राउंड नट, सोयाबीन, राजमा, अरहर, मूंग, है ना? ये सब एग्जाम्पल किसके? फैबेसी के। और बताओ इसके अलावा दो एग्जाम्पल और, गुलमोहर। तीसरे तरीके के फ्लावर वो फ्लावर हैं जो बेटा निकलेंगे और जिनकी कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी। देयर इज अ नो प्लेन ऑफ सिमेट्री। सो नो प्लेन ऑफ सिमेट्री का मतलब हो गया दे आर सिमेट्रिकल की एसिमेट्रिकल। भाइयों बहनों, एसिमेट्रिकल फ्लावर आर आल्सो नोन एज इररेगुलर फ्लावर, रेगुलर की इररेगुलर। और इररेगुलर फ्लावर का एग्जांपल है कैना। बोलो क्या नाम है? कैना। इट इज एन एग्जांपल दैट इज नोन एज कैना। तो बच्चों अपनी बुक में कॉर्नर में कहीं कहीं लिखते जाओ, नोट करते जाओ कि फ्लावर में मैंने पहला पॉइंट क्या पढ़ा। बताओ, फ्लावर में पहला पॉइंट पढ़ा था सेक्सुअलिटी। बोलो क्या पढ़ा था? सेक्सुअलिटी। ये बहुत काम आएगा, सेक्सुअलिटी पढ़ा था। या तो बंदा कैसा था? बाइसेक्सुअल, या तो यूनिसेक्सुअल, और यूनिसेक्सुअल में भी कितने प्रकार का? दो, या तो पिसले, या तो स्टैमिने, याद है? और सेक्सुअलिटी के बाद आज मैंने दूसरी चीज जो फ्लावर में पढ़ाई वो क्या है? सिमेट्री। और सिमेट्री की कंडीशन कितनी है? तीन, या तो वो एसिमेट्रिकल होगा। कैसा? एसिमेट्रिकल।
रेगुलर की इरेगुलर? वेरी गुड, रेगुलर की इरेगुलर। वाह भाई, और का बताओ, या तो वो सिमेट्रिकल होगा, सिमेट्रिकल में भी कितने प्रकार का? दो, या तो एक्टिनोमर, या तो मैनी प्लेन ऑफ सिमेट्री, वन प्लेन ऑफ सिमेट्री, एक्टिनोमॉर्फिक, एक्टिनोमॉर्फिक का कोई एक एग्जांपल पूछेगा आप 10 बताओगे? और इसलिए फैमिली बताओ, मैलवेसिस, सोलेनेसी, लिलियसी, ब्रैसिकेसी, ऑल ऑफ देम आर एक्टिनोमॉर्फिक। और बेटा अगर कोई पूछे कि जाइगोमॉर्फिक की फैमिली बताओ, फैबिएसी, और दो एग्जांपल और, गुलमोहर और कैसे, गुलमोहर और कैसे, राजा बाबू हो गए, रट्टा मार रहे हो क्या? तुम्हें लग रहा कोई चीज रट्टा मार रहे हो? जाइगोमॉर्फिक का मतलब ये है पी फैमिली। कौन सी फैमिली? पी फैमिली। इसके बाद नंबर ऑफ फ्लोरल अपेंडेजेस की बेसिस पर फ्लावर को बांटा गया है, नंबर ऑफ फ्लोरल अपेंडेजेस। इनकी बेसिस पर फ्लावर को नाम दिया गया। जैसे कोई कहे कि सर तीन कैलिक्स है, तीन कोरोला है, तीन स्टेमेन है, तीन कार्पेल है, सब कुछ तीन है सर। अरे कैलिक्स में सेपल, सेपल कितने हैं बोल ले रहा? कोरोला में पेटल कितने? एंड्रोसियम में स्टेमेन कितने? गायनीसियम में कार्पल कितने? तीन। सब कुछ तीन। ऐसी कंडीशन या फिर मल्टीपल ऑफ थ्री, थ्री और मल्टीपल ऑफ थ्री, यार सर तीन की बजाय छह हो या फिर नौ हो, ऐसे फ्लावर को हम लोग बोलेंगे ट्राइमेरस फ्लावर। बोलो क्या बोलोगे? ट्राइमेरस फ्लावर। जिनमें तीन के मल्टीपल में चीजें होंगी। अगर बेटा कैलिक्स में सेपल चार, कोरोला में पेटल चार, तो याद रखना सेपल और पेटल चार हैं इस कंडीशन में, या फिर मल्टीपल ऑफ फोर है, आठ है, बारह है, देन दिस कंडीशन इज नोन एज टेट्रामेरस, टेट्रामेरस। And if there is five or multiple of five appendages, then this condition is known as pentamerous. और अगर सही से देखोगे और आज के बाद से थोड़े विजिलेंट हो जाओगे तो आपको ज़्यादातर फ्लावर किस कंडीशन के मिलेंगे? पेंटा, पांच सेपल, पांच पेटल, इस तरीके की कंडीशन मिलेंगे। भाइयों बहनों, ज्यादातर समय पर टेट्रामेरस और पेंटामेरस कंडीशन दीज आर फाउंड इन डाइकॉट एंड द ट्राइमेरस कंडीशन दे आर फाउंड इन मोनोकॉट। मोनोकॉट याद रहेगा, तीन या फिर मल्टीपल ऑफ थ्री के होगा तो ट्राइमेरस, चार या फिर मल्टीपल ऑफ फोर में होगा तो टेट्रामेरस, और पांच के मल्टीपल में होगा तो पेंटा। पक्का? अभी भी नहीं आया? आया। अब भाई ध्यान से मुझे जवाब दो सारे लोग, चलो बोलो। ट्राइमेरस जनरली मोनोकॉट की डायकॉट? मोनोकॉट। ओके अब बताओ टेट्रामेरस और पेंटामेरस जनरली डायकॉट, लेकिन मोस्ट ऑफ द फ्लावर आर पेंटामेरस। पक्का? अब इसे हटा रहे, अब ध्यान सुनो इधर। एज वी नो, सबसे बाहर कैलिक्स, फिर इसके बाद कोरोला, फिर इसके बाद एंड्रोसियम, और फिर गायनस। सुनना बंद, मामला गड़बड़। अलाव कितने चक्र? सबसे बाहर, फिर 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 इन चार चक्र के अलावा भी अगर कोई पेटा लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट हो, देन इट इज नोन एज ब्रैक्ट। क्या बोलेंगे? अगर ब्रैक्ट प्रेजेंट है तो फ्लावर कहलाएगा ब्रैक्टिएट। फिर से बोलो। और अगर अब्सेंट है तो कहलाएगा ई ब्रैक्टिएट, ई ब्रैक्टिएट। तो फ्लावर प्रेजेंट तो, सॉरी ब्रैक्ट प्रेजेंट तो ब्रैक्टिएट, अगर नहीं प्रेजेंट तो ई ब्रैक्टिएट।
इन चार वर्ल्ड के अलावा भी अगर कोई चीज प्रेजेंट है लीफ लाइक, उसे क्या बोलेंगे? ब्रैक। ब्रैक प्रेजेंट तो ब्रैक्टिएट, और नहीं प्रेजेंट तो ई ब्रैक्टिएट। सर समझ में नहीं आया, सर ये नहीं समझ में आया, फिर से बताओ। आया? मान लो एक बड निकली, ये रही वो बड, और इस बड को कवर करने के लिए दो पत्तियां निकली हैं। बताओ ये पत्तियां क्या है? पता ही नहीं। अरे बेवकूफ, यही है ब्रैक, क्योंकि ये बड आगे चल के क्या बनाएगी? कैलेक्स। फिर से बोलो। फिर कोरोला। फिर इसका मतलब ब्रैक्ट किसे प्रोटेक्ट करते हैं? बड। सो बड को प्रोटेक्ट करने वाले दीज आर नोन एज ब्रैक, और ब्रैक्ट प्रेजेंट है तो ब्रैक्ट ए, और नहीं प्रेजेंट है तो ई ब्रैक। अभी सो जाओ, बढ़िया टाइम आ गया, लोरी सुनाने वाला है ना, तो सो ही जाओ। कितने चक्र? चारों दिख रहे हैं? चारों के सबसे बाहर वाला कैलेक्स। फिर बताओ गाइनेशियन सबसे सेंटर में है। अब याद रखना ऑल द फ्लोरल अपेंडेजेस एंड देयर पोजीशंस। मैं छोटे छोटे टॉपिक पढ़ा रहा हूं, इसके पहले नंबर पढ़ाया था, नंबर ऑफ अपेंडेजेस की बेसिस पर। तीन है तो मर गए तुम, तीन है तो, चार है तो, पांच है तो याद रहेगा। तो मैं क्या डिस्कस कर चुका हूं? नंबर। अब क्या दिख रहा हूं? पोजीशन। किसकी पोजीशन? सुनील सर की। पोजीशन ऑफ फ्लोरल अपेंडेजेस, चारों फ्लोरल अपेंडेजेस की पोजीशन, और वो चारों के चारों फ्लोरल अपेंडेजेस का नाम है कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम एंड बोलते हैं कि अगर पेडिसल के सबसे ऊपर वाला स्वेलन पार्ट जिसका नाम है थैलमस, फिर से बोलो, इस थैलमस के टॉप मोस्ट में आकर के गाइनीशियम बैठ जाए, गाइनीशियम, व्हाट इट इज? स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। बोलो क्या ये ओवरी है? बाकी सारे पार्ट ओवरी के नीचे से निकले, कैलिक्स इसके नीचे से, कोरोला भी इसके नीचे से, और एंड्रूसियम भी इसके नीचे से। तो बताओ ओवरी ऊपर है कि नीचे? ऊपर। इस कंडीशन को बोलेंगे सुपीरियर ओवरी। बोलो, दिस कंडीशन इज नोन एज सुपीरियर ओवरी, ऑल्सो नोन एज हाइपोगाइनस, हाइपोगाइनस फ्लावर। अब रट्टा तो मारोगे ही तुम, तो सुनी लो। हाइपो का मतलब बिलो, गाइनस का मतलब गाइनीशियम। फ्लावर के बाकी पार्ट किसके नीचे से निकले? गाइनीशियम के। कंडीशन का नाम? तो हाइपोगाइनस कंडीशन में ओवरी इंफीरियर की सुपीरियर? सुपीरियर। नहीं आया? आया नहीं। बताओ क्या हमारे पास पेडिसल है? थैलमस है? थैलमस में सबसे टॉप मोस्ट पोजीशन पे कौन है? ओवरी। ओवरी के नीचे से सारे फ्लावर पार्ट निकल रहे हैं, कैलिक्स उसके ऊपर की नीचे, नीचे कोरोला भी नीचे, एंड्रोसियम भी नीचे, तो ये ओवरी सुपीरियर के इंफीरियर? नहीं सुना मैंने। सुपीरियर ओवरी का दूसरा नाम हाइपोगाइनस। फिर से बोलो। और रुको और ध्यान से सुनो, मोस्ट ऑफ द फैमिलीज they have superior ovary. मेरे बच्चे, मैंने कोई भी एग्जाम्पल कभी रट्टा नहीं मारा है, और ना मैं अपने बच्चों से कहता हूं रट्टा मारो, मैं कहता हूं फैमिली के बारे में बात करो। मोस्ट ऑफ द फैमिलीज आर हैविंग द सुपीरियर ओवरी। अब मैं नाम बोलूंगा फैमिली का, तुम लोग को एग्जाम्पल बोलने हैं अपने आप। यस, पहला नाम है फैमिली का ब्रैसी कैसी, एग्जाम्पल बोलो। हाँ, मस्टर्ड एंड रेडिश। मैंने फ्रॉम नाम लिया मैलवेसी का, नाम बताओ।
चाइना रोज लेडी फिंगर क्वार्टर याद रहेगा। मैंने नाम लिया सोलेनेसी का, एग्जांपल बोलो, ब्रिंजल होगा, टोमेटो होगा, चिली होगा, गतूरा होगा, मैंने नाम ले लिया लिलियसी का, बोलो किसका, लिलियसी, बोलो, अनियन होगा, गार्लिक होगा, पक्का, मैंने नाम लिया फैबेसी का, बोलो किसका, फैबेसी, फैबेसी बताओ, मटर होगा, बीन होगा, क्या मूंगफली होगा, ग्राउंडनट। आपके कोर्स में तीन फैमिली हैं, तीनों सुपीरियर, तीन फैमिली कौन कौन सी, फैबेसी, सोलेनेसी, लिलियसी, ऑल ऑफ देम आर सुपीरियर, ऑल ऑफ देम आर सुपीरियर एंड एक्टिनोमॉर्फिक। जवाब नहीं है, ऑल ऑफ देम आर सुपीरियर एक्टिनोमॉर्फिक, नो, टू ऑफ देम आर सुपीरियर एंड एक्टिनोमॉर्फिक, बोलो कौन, सोलेनेसी लिलियसी, इट इज अ सुपीरियर एंड, मैं फैमिली बहुत बोल रहा हूं, कुछ देर बाद तुम भूल जाओगे कि यार वो एक फैमिली कहां पर कंफ्यूज कर रहा है। जब मैंने सिमेट्री बोली थी तो बताओ फैबेसी कैसी थी, जाइगोमॉर्फिक, और दोनों बात की एक्टिनोमॉर्फिक, और जब मैं सुपीरियर इंफीरियर बोल रहा हूं, ऑल ऑफ देम आर सुपीरियर। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, 15 एग्जांपल दे दिए, नीट ने कई बार क्वेश्चन पूछा, 10-15 एग्जांपल दे दिए, और बोले इससे छाटो किनके पास सुपीरियर हो रही है, किनके पास इंफीरियर। अब तुम घबरा रहे हो, पता नहीं कौन सुपीरियर कौन इंफीरियर, पहले अपने आप को आइडिया दो, मोस्ट ऑफ द फैमिलीज आर सुपीरियर, मोस्ट ऑफ द फैमिलीज आर, ज्यादातर फैमिली सुपीरियर है, बताओ सोलेनेसी, हाँ भाई खड़े हो, यस यस, आपके बगल में, व्हाट वाज द जोक जिसमें तुम हंसे और उन्होंने हंसाया तुम्हें, नहीं, टेल मी द 3 एग्जांपल ऑफ द फैमिली फैबेसी, ग्राउंडनट, सोलेनेसी, टोमेटो, ब्रैसिकेसी, एक्टिनोमॉर्फिक कौन नहीं है इसमें से, फैबेसी, बातें मत करना, ठीक है, हाँ बहुत खतरनाक हूँ मैं, पढ़ाई करो बाकी अच्छा हूँ। इधर जब मैं एक्टिनोमॉर्फिक कह रहा था तो किसे छोड़ दिया था, फैबेसी, और जब मैं सुपीरियर कह रहा हूँ किसी को छोड़ रहा हूँ, सब इंक्लूडेड हैं, बोलो कौन, फैबेसी, ब्रैसिकेसी, मैलवेसी, सोलेनेसी, लिलियसी, मोस्ट ऑफ द फैमिली आर सुपीरियर, पक्का, अब देखना तुम्हें कितनी आसानी से याद हो जाएगा, मुझे पक्का मालूम है याद हो जाएगा। अभी हमारे पास फिर से एक पेडिसल है, लेकिन अब की बार जो थैलमस है इट बिकम डिप्रेस्ड, डिप्रेस मतलब कोई दुख है इसको, नहीं, डिप्रेस मतलब इट इज समथिंग लाइक कपला, और इसमें जो है ओवरी लॉस हो गई है, आधी ऊपर और आधी नीचे, सॉरी से ओवरी मान लीजिएगा, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, और आधी नीचे और आधी ऊपर ओवरी के पास से ही बाकी फ्लोरल अपेंडेजेस निकले फ्रॉम द रिम ऑफ थैलमस, दिस इज अ रिम ऑफ थैलमस, ये कैलिक्स निकला, कोरोला निकला और एंड्रूसियम निकला, तो बताओ जो ओवरी की पोजीशन है वही बाकी सारे लोगों की पोजीशन है, यस, दिस कंडीशन इज नोन एज हाफ इंफीरियर, हाफ इंफीरियर ओवरी। कुछ लोगों के सामने जैसे ही मैं हाफ इंफीरियर लिखता हूं अपने आप बोलते हैं हाफ इंफीरियर हाफ सुपीरियर, जिसने बोला थप्पड़ पड़ेगा, मैंने बोला हाफ इंफीरियर हाफ सुपीरियर, क्या बोला, हाफ इंफीरियर ओवरी, ऑल्सो नोन एज पेरीगाइनस, पेरीगाइनस फ्लावर, एंड व्हाट इट मींस, इट मींस
कि पेरीफेरल कंडीशन में सारे फ्लोरल अपेंडिजेस निकले हैं, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज पेरीगाइनस फ्लावर, हाफ इंफीरियर ओवरी एंड पेरीगाइनस फ्लावर फैमिली रोज ऐसी, तीन ही लोग हैं इनके नाम याद रखना, रोज प्लम पीच। अच्छा बताओ इनके हिंदी नाम, रोज मतलब, प्लम मतलब बेर और पीच मतलब आड़ू, याद रहेगा। तो ये रोज प्लम पीच ये तीन ऐसे एग्जांपल हैं जो हाफ इंफीरियर ओवरी के, दे हैव द हाफ इंफीरियर ओवरी। ओके, अब तीसरी तरीके की ओवरीज को समझने का टाइम आ गया है, दीज आर नोन एज इंफीरियर ओवरी। इसमें क्या हुआ है, जो पेडिसल है उससे थैलमस और उसमें ओवरी लॉस हो गई है, दिस इज अ ओवरी, स्टिग्मा स्टाइल एंड ओवरी, और बाकी फ्लोरल अपेंडेजेस इस ओवरी के ऊपर से निकले हैं, कैलिक्स भी, कोरोला भी और एंड्रूसियम भी। तो बताइए ओवरी इज सुपीरियर और इंफीरियर, इंफीरियर, इट इज नोन एज इंफीरियर ओवरी। और ऐसी ओवरी जिसमें इंफीरियर ओवरी हो, फ्लावर कैसा होगा, फ्लावर ओवरी के नीचे के ऊपर, ऊपर नीचे, ऊपर मतलब एपी, गाइनस मतलब गाइनीसियम, कंडीशन इज नोन एज एपी गाइनस फ्लावर, एपी गाइनस फ्लावर। ध्यान से आपको केवल दो सी याद रखनी है, वन इज नोन एज कुकुरबिटेसी, और कल मैं इसके बारे में बता चुका हूं, जिन लोगों ने कल क्लास की थी, कुकुरबिटेसी फैमिली याद है, लौकी फैमिली है, कद्दू फैमिली है, खीरा फैमिली है, तो बताओ इसके एग्जांपल, पम्पकिन, पम्पकिन होगा, वाटरमेलन होगा, कुकुम्बर होगा, पूरी पम्पकिन फैमिली, इट इज कुकुरबिटेसी, सुपीरियर कि इंफीरियर, पता नहीं, सुपीरियर कि इंफीरियर, इंफीरियर। एक सी हो गया कुकुरबिटेसी और दूसरा सी हो गया कंपोजिटी। हे भगवान मेरे बच्चे कैसे संभाल पाएंगे सारे बड़े बड़े नाम। कंपोजिटी अपने आप में बताता है कि मैं कंपोजिट फ्लावर हूं, मैं एक फ्लावर हूं कि मैनी फ्लावर, बताओ, सन फ्लावर इज अ वन फ्लावर कि कंपोजिट ऑफ फ्लावर, कंपोजिट ऑफ फ्लावर, सन फ्लावर इज अ फ्लावर का कंपोजिशन है, इसका मतलब कंपोजिशन ऑफ फ्लावर इट इज नोन एज कंपोजिट, ऑल्सो नोन एज एस्टरेसी, बोलो क्या नाम है, एस्टरेसी। तो सनफ्लावर की फैमिली के जो रे फ्लोरेट्स होते हैं, कौन से रे, सुपीरियर की इंफीरियर, इंफीरियर। अब सुनोगे नहीं तो मरोगे। तो मैंने दो सी बोले, सी फॉर कुकुरबिटेसी, सी फॉर कंपोजिटी, दोनों सुपीरियर की इंफीरियर, इंफीरियर। इसके अलावा एक एग्जांपल दिया है ग्वावा, बोलो क्या है, ग्वावा इज सुपीरियर कि इंफीरियर, इंफीरियर। सबसे बड़ी समस्या तभी आती जब यहां लिखा बहुत रहता है। अब चार्ट बनाएंगे और तुम्हें मम्मी कसम है जो इधर उधर देखा जब तक मैं ना बोलूं तो, ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन कितने प्रकार की कंडीशन है, तीन, पक्का, पहला वाला सुपीरियर ओवरी, बोलो क्या नाम है, सुपीरियर ओवरी, थैंक यू वेरी मच, बिना देखे बताना। दूसरा है हाफ इंफीरियर ओवरी, याद रहेगा, वेरी गुड। तीसरा याद है, बोलो कौन, इंफीरियर ओवरी, पक्का, तीनों कंडीशन मुझे डाटा वाइज बताओ, बताओ इसमें ओवरी के नीचे की सब ऊपर, ऊपर से यहां पर बाकी फ्लोरल अपेंडिजेस ओवरी के नीचे से, यहां पर ओवरी के बराबर से, और यहां पर ओवरी के, पक्का, इसका मतलब यहां पर ओवरी सबसे ऊपर, यहां पर बराबर, यहां पर नीचे, इसका दूसरा नाम फ्लावर का नाम, हाइपो, हाइपो मतलब बिलो,
गाइनस मतलब गाइनीशियम, गाइनीशियम के नीचे से सारी चीजें निकले तो ओवरी अपने आप ऊपर। इस कंडीशन का नाम पेरीगाइनस फ्लावर, बोलो क्या नाम है? और इसका नाम एपीगाइनस फ्लावर। ओवरी के ऊपर से सारी चीजें निकले, इसका मतलब ओवरी ऊपर हो गई कि नीचे? नीचे। दिस इज अ ओवरी कंडीशन, दिस इज अ फ्लावर नेम। नाम बताओ। सुपीरियर ओवरी, हाइपोगाइनस फ्लावर, बोलो इधर। हाफ इंफीरियर पेरीगाइनस फ्लावर, इंफीरियर एपीगाइनस फ्लावर। पक्का बताओ। मोस्ट ऑफ द फैमिली आर, मोस्ट ऑफ देम आर सुपीरियर, तो इन्हें मत रटो, इनको और इनको लर्न कर लो, बाकी ये जो कुछ बचा सब सुपीरियर होगा। बताओ इनमें रोज, रोज होगा, बोलो प्लम। और अगर किसी बच्चे को एग्जाम तक इतना ही याद रह गया कि इसके एग्जाम्पल या तो पी से हैं या तो आर हैं, एम एन ओ पी क्यू आर, क्यू हटा दो तो पी और आर, पी फॉर प्लम, आर फॉर रोज, पी फॉर पीच। एंड नाउ इंफीरियर ओवरी दो सी, बोलो सी फॉर कुकुरबिटेसी। कुकुरबिटेसी के एग्जाम्पल याद है? बोलो पम्पकिन, याद है? और दूसरा सी कंपोजिटी, व्हाट इज कंपोजिटी? कंपोजिटी का नाम कंपोजिटी क्यों है? क्या यहाँ पर कंपोजिट फ्लावर है? डिस्क्लोरेट और रेफ्लोरेट है? यहाँ पर रेफ्लोरेट सुपीरियर की इंफीरियर? इंफीरियर। और इसके अलावा गुआवा। अब अपनी एनसीईआरटी देख के मुझे एग्जांपल बताओ ताकि तुम्हें यह मालूम चले कि एनसीईआरटी में क्या लिखा। बोलो सुपीरियर में क्या क्या लिखा? मस्टर्ड लिखा है। फैमिली का नाम यार बताओगे नहीं तो आ गए। और कुछ? चाइना रोज लिखा है। फैमिली का नाम मैलवेसी। और ब्रिंजल लिखा है। फैमिली का नाम सोलनेसी। कल तक जो फैमिली से डरते थे आज फैमिली में बात कर रहे हैं। बताओ ब्रैसी कैसे, मैलवेसी, सोलनेसी, क्या लिलियसी भी होगा? यस सर। मोस्ट ऑफ द फैमिली आर सुपीरियर। क्या ये रोज है? प्लम है? पीच है? जरा इंफीरियर ओवरी के एग्जांपल बताओ क्या लिखा है? कुकुम्बर लिखा है? और पंपकिन लिखा है? गुआवा लिखा है? कुकुम्बर और पंपकिन, कुकुरबिटेसी। सनफ्लावर भी लिखा है? डिस्क की रे, रे, रे फ्लोरेट्स ऑफ कंपोजिटी एंड गुआवा। अब अगर ग्रुप ऑफ प्लांट दिया हो तो उसमें सुपीरियर और इंफीरियर निकाल पाओगे? हाँ। नींद बहुत आ रही है आज, इधर जमाई मार रहा कोई, उधर जमाई मार रहा कोई, उधर जमाई मार रहा, हम तो घबरा जाते हैं कि हम कुछ समझ में भी आ रहा है कि बस ऐसे ही। और इसीलिए फिर मुझे तुरंत करने का मन करता है। आप बताओ जय माता की, जय माता की, जय माता की। आया कुछ? अच्छा बताओ फ्लावर में हमने पहले बताया सेक्सुअलिटी, क्या बताया? फिर बताया सिमेट्री, फिर बताया नंबर, फिर बताया पोजीशन। क्या ये चार बातें याद रहोगे? और जो बच्चे घर जाते वक्त पूरा याद ना कर पाए ये चार बातें याद रख ले। पहला सेक्सुअलिटी, सिमेट्री, नंबर, पोजीशन। पक्का? सेक्सुअलिटी में कितने प्रकार के? दो, या तो बाईसेक्सुअल या तो ओके बाईसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल में यूनिसेक्सुअल कितने? दो, या तो पिछले या तो सेक्सुअलिटी हो गई। सिमेट्री दिख रही है? कितनी कंडीशन? तीन। एसिमेट्रिकल कैना, हाँ, एक्टिनोमॉर्फिक, मोस्ट ऑफ द फैमिली, अरे पगलिया मरेगी, फेबेसी नहीं है। मोस्ट ऑफ द फैमिली वाला शब्द किस में लगाया था? सुपीरियर और इंफीरियर। चलो कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं, सुने मोस्ट ऑफ द बोला। बताओ फेबेसी थी कि नहीं थी? फेबेसी जाइगोमॉर्फिक थी, ठीक बोल रही है वो। मोस्ट ऑफ द फैमिली आर एक्टिनोमॉर्फिक। अच्छा बताओ जाइगोमॉर्फिक में कितने एग्जांपल थे? तीन, एक तो फैमिली फेबेसी, दूसरा
गुलमोहर कैसिया। नींद आ रही गुरु? क्या करे सर, आज इतना बोर मार रहे हो आप। चलो अभी डांस करके दिखाएंगे तुम्हें। जाग गए, तुम्हारे अंदर का बदतमीज इंसान एकदम फूट पड़ता है। वाह अब आया। अच्छा बताओ, सेक्सुअलिटी हो गया, सिमेट्री हो गया, अब बताओ नंबर तीन है तो पोजीशन हुआ तो बोलो कौन पेरी गाइनस होगा और एपी गाइनस होगा। हाइपो गाइनस इज इंफीरियर, पेरी गाइनस इज हाफ इंफीरियर होगा। और बताओ इसके अलावा एपी गाइनस इंफीरियर के हाफ इंफीरियर इंफीरियर। सबके एग्जांपल याद है? मोस्ट ऑफ द फैमिली इज सुपीरियर। पेरी गाइनस में तीन है बोलो, रोज लव पी। और इंफीरियर में तीन नाम बताएं, सी फॉर ऊपर बेटा, सी फॉर याद रहेगा। अगर मैं 15 एग्जांपल दूं तो उनमें से सुपीरियर और इंफीरियर छांट लोगे? एक्टिनो और जायगो छांट लोगे? पक्का? नाउ पार्ट्स ऑफ फ्लावर, जो तुम्हारी हालत है मैं ही देख रहा हूं। ऐसा लग रहा कि सर कह दें जाओ, फिर जा करके खाने में टूट पड़े, खाना खाएं, फिर जो बढ़िया बढ़िया नींद मारे खर्राटे वाली। क्लास है कितने बजे? सुबह से लेकर शाम तक। अच्छा चलो, जब 2 मिनट बात करते हैं। अच्छा कल सौरभ क्या है फिर? ये कौन बोला? देखो इफ आई अलाउड बदतमीजी तो यहाँ पर मेरी कुछ सिस्टर्स बैठी हैं, तुम फिर चांस लेते हो बदतमीजी करने की और फिर हम पटक के मारते हैं। इसलिए आई विल नॉट टेक अ चांस टू डू सच टाइप ऑफ जॉब। बदतमीजी आप मत करना, बाकी दायरे में रह करके बातें किया करो। मैंने पूछा कल की क्लासेस का क्या है, मैं तो शाम वाली बंद रखूंगा, ठीक है? केमिस्ट्री सुबह नहीं? नहीं। तो सुबह मैं लूंगा क्लास, सुबह ना ले उपवास सौरभ उपवास है क्या? खाना पीना खाओ, ये सब बकवास है, मोह माया है। ये बाबू सोना सब यही छूट जाना है। करो ये बता तो रहा है, टीचर अगर थोड़ा लिबरल हो, आप लोगों के अंदर का शैतान फूट पड़ता है। और अब जो सो रहा था, जमाई मार रहा था, बड़ा चेतन होके देख रहा है। ये तो मेरा जॉब है। अभी तक मैं जब तक फ्लावर पढ़ा रहा था, वो 2 बार इधर से घड़ा लिया, इधर से घड़ा लिया, थोड़ा तिरछा हुआ, बगल वाले के ऊपर हाथ रखा और जैसे मैंने बदतमीजी की खड़ा है। नो बेटा नहीं, मोरल साइंस चूंकि हटा दी गई है हमारे कोर्स से, तो अब एक चीजें गड़बड़ होने लगे। हम चाहते हैं कि जहां हम जाएं वहां सब कुछ ठीक हो, जहां हमारी सिस्टर पढ़ने जा रही है दैट प्लेस शुड बी नाइस वेल डिसिप्लिन, वहां कोई लड़का बदतमीजी नहीं करना चाहिए। मेरी सिस्टर पढ़ के आए चुपचाप घर चली आए, बट जहां मैं पढ़ने जा रहा हूं देयर मस्ट बी सम लिबर्टी। सर अगर किसी को छेड़ दिया तो क्या, कुछ बोल दिया तो क्या? तो जो आप अपनी सिस्टर के लिए नहीं चाहते हो वो आप यहां पर भी मत करो। यकीन मानियो किसी को फुर्सत नहीं है तुम्हारी तरफ देखने के लिए कि तुम कौन सा परफ्यूम, कौन सा शर्ट, कौन सा बाल कलर करा के आए हो। कुछ लोग तो आजकल आधा छिलवा लेते हैं इधर। हमारे जमाने में, मैंने पिछले साल भी बताया था, हमारे जमाने में जब कोई चोरी करता पकड़ा जाता था तो इधर के बाल काट दिए जाते थे, इधर के बाल काट दिए। आजकल वो फैशन हो गया है। एक बच्चा तो मैंने देखा केवल इतने बाल थे, वो भी लंबे लंबे, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा कट गया। तो मैंने सोचा भगवान अच्छा किया जो तुमने मेरे बाल नहीं छोड़े।
मुझे कोई कोई दुख नहीं है, क्योंकि जिन लोगों के बाल बाल हैं वो क्या कर रहे हैं। एक बच्चे ने मेरी बेइज्जती करने के लिए पूछा मुझसे एक दिन, सर आप बताओ आप कैप काहे पहनते हो। हमने कहा डोंट ट्राई, बाल ही नहीं है। खुश हो गया, सर आप अपनी बेइज्जती खुद कर लेते हो। हाँ हम खुद अपनी बेइज्जती कर लेंगे तो तुम्हें बेइज्जती करने का मौका मिलेगा। हाँ तो अब बात सुनो, रिलैक्स हो चुके हो, बहुत अच्छी तरीके से एक टॉपिक आने वाला है, हंस चुके हो, रिलैक्स हो चुके हो, एनर्जी आ चुकी है। अब ध्यान से सुनो, कल की मॉर्निंग की क्लास नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो क्या कल मॉर्निंग क्लास लंबी रखें? नहीं, इवनिंग क्लास नहीं रख पाऊंगा भैया। अगर इवनिंग में मैं देर से पहुंचा तो खाना पीना हमको भी नहीं मिलना है। तो भैया इवनिंग क्लास तो मैं नहीं रखूंगा, मॉर्निंग क्लास अगर आप चाहो तो लंबी कर सकते हैं। अभी सोचेंगे सोचेंगे, आज शाम को डिसाइड करते हैं। चलो ये क्या पढ़ रहे हैं? फिर सर बोरिंग। यस, ध्यान से पढ़िए, रिलैक्स, बिल्कुल शांत, बदतमीजी नहीं। हो गई बदतमीजी का टाइम ओवर। पार्ट्स ऑफ फ्लावर में सबसे बाहर का पार्ट है, दैट इज नोन एज कैलिक्स। कैलिक्स इज द आउटर मोस्ट वर्ल्ड। सबसे बाहरी चक्र है। इट इज मेड अप ऑफ स्पेशल लीव्स एंड दीज स्पेशल लीव्स आर नोन एज सेपल्स, जनरली ग्रीन इन कलर। इफ ऑल द सेपल्स आर फ्री, जितनी सेपल्स हैं वो एक दूसरे से जुड़ी नहीं है बल्कि फ्री हैं, कंडीशन इज नोन एज पॉलीसेपलस। If the sepals are fused, if the sepals are fused, बस दो ही पॉइंट पढ़े, this is known as gamosepalus. If all the sepals are free, all of them are free, this condition is known as polysepalus. If they are fused, आपस में एक दूसरे के साथ fused है, that is known as gamosepalus. याद रखना, calyx protect flower in bud condition. It protect flower in bud condition. जब flower bud condition में होता है उस समय पर protect करते हैं। अब मैं दो क्वेश्चन पूछूंगा, बड को प्रोटेक्ट करने वाली लीव्स, नो इट इज ब्रैक। बड को प्रोटेक्ट करने वाली ब्रैक, लेकिन बड के कंडीशन में फ्लावर को प्रोटेक्ट करने वाली कैलिक्स। पक्का? अगर ये आपस में जुड़ी हैं तो पॉली की गैमो, और अगर अलग अलग हैं तो पॉलीसेपलस। जाओ ओके, ध्यान से अभी और आगे देखने की कहानी है, अभी और बहुत ध्यान से देखेगा। तो पहला आउटर मोस्ट वर्ल्ड इज कैलिक्स, कैलिक्स के बाद आता है कोरोला, इट इज कोरोला। इट इज द कलरफुल वर्ल्ड ऑफ द फ्लावर। फ्लावर का जो सबसे कलरफुल वर्ल्ड होगा दैट इज नोन एज कोरोला। इट अट्रैक्ट इंसेक्ट और पॉलिनेटर। पॉलिनेशंस के लिए पॉलिनेटर को ये अट्रैक्ट करता है। याद रखना, इट इज मेड अप ऑफ स्पेशल लीफ नोन एज पेटल्स।
मेड अप ऑफ पेटल्स. इफ ऑल द पेटल्स आर फ्री, भाई शब्द तुम ही बताओ तो ज्यादा अच्छा रहेगा. बोलो. दिस कंडीशन इज नोन एज पॉलीपेटलस. इट इज नोन एज फ्री पेटल्स. If anyhow the petals are fused, if the petals are fused, you must consider this is a flower. If the petals are fused, condition ka naam hai gamopetalous. If all petals are free, condition polypetalous. If all of them are fused, it is gamopetalous. Okay? अपने color, अपनी symmetry, अपनी position की basis पर petal इस flower की सबसे ज्यादा ही variety वाले अच्छी लोग हैं. आगे सुनिए. There is a term known as aestivation, and this is the last topic of the day. इसलिए बहुत अच्छी तरीके से पढ़ो. आज के दिन का इस क्लास का आखिरी टॉपिक है और इसमें बहुत लोग फंसते हैं. एस्टिवेशन. पहले तो आप एस्टिवेशन का मतलब समझिए. एस्टिवेशन इज ओनली डिफाइंड फॉर कैलिक्स एंड कोरोला. बहुत ज्यादा लिखना नहीं होता बेटा. जो लोग बहुत ज्यादा लिखते हैं वो बहुत कम समझते हैं. चलो मैं कुछ चीजें आपको अरेंजमेंट की बेसिस पर पूछता हूं. जितने लोग भी बता देंगे मैं समझूंगा मैंने सही पढ़ाया. क्या आपको वेनेशन याद है? अरेंजमेंट ऑफ वेन एंड वेन याद है? वेनेशन याद है? इट वाज द अरेंजमेंट. बस अरेंजमेंट बता रहा हूं. क्या आपको फिलोटेक्सी याद है? इट वाज द अरेंजमेंट ऑफ लीफ अपॉन स्टेम. याद है? क्या आपको इन्फ्लोरेसेंस याद है? अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर अपॉन फ्लोरल एक्सिस. याद है? अरेंजमेंट ही देख रहे हैं. वेन वेन का देख रहे हैं तो वेनेशन, अगर लीव का देख रहे हैं तो फिलोटैक्सी. याद है? आज फिर से एक अरेंजमेंट देखने जा रहे हैं. अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स और पेटल्स. अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स और पेटल्स विथ रेस्पेक्ट टू अदर मेंबर ऑफ सेम ग्रुप और सेम वर्ग. ये डेफिनेशन मैं हर बार लिख करके पूछता हूं, लोगों को समझ में नहीं आता. ध्यान सुनो. इस डेफिनेशन का मतलब है एक सेपल का दूसरी सेपल के रेस्पेक्ट में अरेंजमेंट, सेपल का सेपल के रेस्पेक्ट में अरेंजमेंट, पेटल का पेटल के रेस्पेक्ट में अरेंजमेंट. इट इज नोन एज एस्टिवेशन. अब सुनो. इट इज द अरेंजमेंट ऑफ सेपल विद रेस्पेक्ट टू अदर मेंबर ऑफ सेम वर्ग. सेम वर्ग का मतलब सेपल इज कैलिक्स. बोलोगे नहीं? सेपल इज कैलिक्स. तो कैलिक्स में सारी सेपल का अरेंजमेंट इट इज. कोरोला में सारी. तो सेपल का पेटल के रेस्पेक्ट में नहीं, पेटल का सेपल के रेस्पेक्ट में नहीं, सेपल का सेपल के रेस्पेक्ट में और पेटल का पेटल के रेस्पेक्ट. अभी नहीं आया? चलो ये डेफिनेशन बोलेंगे. व्हाट इज एस्टिवेशन? अरेंजमेंट का सेपल और पेटल विद रेस्पेक्ट टू अदर मेंबर ऑफ सेम वर्ग. अगर ऐसे ना पाए, इतनी बड़ी डेफिनेशन ना है, मैं किसी दिन पूछूं व्हाट इज एस्टिवेशन, तो उठना है और सिंपल जवाब देना है, सर सेपल का सेपल के रेस्पेक्ट में अरेंजमेंट, पेटल का पेटल का अपनी दूसरी पेटल के रेस्पेक्ट में अरेंजमेंट और सेपल का अपनी दूसरी सेपल के रेस्पेक्ट में अरेंजमेंट. इट इज नोन एज एस्टिवेशन. अभी मैं लिख रहा हूं, आप एक बार फिर से डेफिनेशन बोलेंगे और मुझे अच्छा लगेगा कि आपको आया. बोलो. एस्टिवेशन. व्हाट इज एस्टिवेशन? अरेंजमेंट ऑफ सेपल और पेटल विद रेस्पेक्ट टू अदर मेंबर ऑफ सेम. पक्का?
वैसे तो पांच है लेकिन एनसीईआरटी में चार है, इसलिए मैं चार पढ़ाऊंगा, वैसे पांच है। पहला अरेंजमेंट है वेलवे, वेलवे बिल्कुल शांत। दूसरा अरेंजमेंट है ट्विस्टेड। तीसरा अरेंजमेंट है यस इम्ब्रिकेट। और चौथा अरेंजमेंट है वैक्सिलरी। वैसे इनके बीच में क्विनक्विंसियल नाम का भी एक अरेंजमेंट है, क्विनक्विंसियल, जो आपकी बुक में नहीं है इसलिए मैं पढ़ाऊंगा नहीं। बोलो, पहला वेलवे, दूसरा ट्विस्टेड, तीसरा इम्ब्रिकेट, चौथा वैक्सिलरी। अब देखना, वेलवेट वो अरेंजमेंट है जिसमें सेपल एक दूसरे को जस्ट टच कर रहे हैं, ओवरलैप नहीं कर रहे। जस्ट टच कर रहे हैं, देयर इज नो ओवरलैपिंग। अब एक फ्लावर के बारे में सोचो जिसकी ये एक सेपल है, प्लीज अरेंज करिएगा, सेपल है दूसरी सेपल के साथ जस्ट टच कर रही है, देन तीसरी सेपल जस्ट टच करेगी, चौथी जस्ट टच करेगी, एक दूसरे को जस्ट टच करते हुए चक्र बनाएंगी। बताओ ऐसे कंडीशन को क्या बोलेंगे? वेलवेट। पक्का? अब वेलवेट वाले फ्लावर को पकड़ के ट्विस्ट कर दो। क्या कर दो? वेलवेट वाली कंडीशन को ट्विस्ट कर दो। तो जब जैसे ही ट्विस्ट होगा एक दूसरे के ऊपर राइड कर जाएगा। ट्विस्ट किया तो जैसे ट्विस्ट किया एक दूसरे के ऊपर राइड कर, तो बताओ एक बंदा दूसरे को क्या करने लगेगा? ओवरलैप। तो ट्विस्टेड कंडीशन में एक पेटल का या सेपल का एक एंड आउटसाइड, दूसरा इनसाइड, लाइक दिस, ये वाला आउटसाइड, ये वाला इनसाइड, अब ये वाला आउटसाइड जाएगा ओवरलैप करते हुए, इनसाइड आउटसाइड, इनसाइड आउटसाइड, एंड नाउ ये इनसाइड जाना चाहिए लाइक दिस। अगर भूल जाओ तो ऐसे बताओगे, हर एक पेटल का एक एंड आउटसाइड, दूसरा आउटसाइड, 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 इनसाइड। अगर मैं वेलवेट को थोड़ा ट्विस्ट कर दूं, इट बिकम ट्विस्टेड, हर एक पेटल या सेपल का एक एंड इनसाइड और एक एंड आउटसाइड। नाउ एम्ब्रिकेट, ये अजीब है, इनकी कंडीशन में एक पेटल के दोनों एंड आउटसाइड, बाकी पेटल के एक का इनसाइड और दूसरे का आउटसाइड, लाइक दिस। देखो भाई, एक पेटल है जिसके दोनों एंड, एक पेटल है जिसके दोनों एंड और बाकी के इनसाइड आउटसाइड, इनसाइड आउटसाइड, इनसाइड आउटसाइड। जवाब मुझे चाहिए होंगे इसी तरीके से। वैक्सिलरी बहुत ही अजीब है, इसमें एक बड़ा सा पेटल निकलता है, यस पेटल ही है, जिसका नाम है स्टैंडर्ड। बोलो क्या नाम है? स्टैंडर्ड। ये रहा स्टैंडर्ड, बड़ा सा पेटल। इसके दो स्मॉल स्मॉल पेटल और निकलते हैं, दीज आर नोन एज विंग्स, और फिर दो पेटल आपस में जुड़ करके बोट शेप स्ट्रक्चर बनाते हैं, नोन एज कील, इट इज वैक्सिलरी। सर समझ में नहीं आया? हाँ, इसमें क्या कर रहे हैं? हाँ, जस्ट टच, किसमें? ओवरलैप, एक एंड इनसाइड और एक इनसाइड आउटसाइड, इनसाइड आउटसाइड, इनसाइड आउटसाइड, इनसाइड आउटसाइड। मेरे पास बुक में है पर मैं ऐसे करके दिखाना चाहता हूँ, इसके दोनों एंड, बाकी के इनसाइड आउटसाइड और एक के दोनों। पक्का? अच्छा, अब आप देखना ध्यान से, बातें नहीं, ध्यान से आप देखिएगा कि इस पेटल की वजह से केवल एक प्लेन ऑफ सिमेट्री ही पॉसिबल है,
नहीं सर। यस और नो? क्या इसे दो इक्वल हाफ में ऐसे काट सकते हैं? ऐसे काट सकते हैं? क्या एक ही प्लेन ऑफ सिमेट्री है? और अगर मैं इस फ्लावर को भी देखूं तो एक ही प्लेन ऑफ सिमेट्री आएगी, जिसमें सर दो बाह आउटसाइड और दो इनसाइड मिलेंगे और अजीब सी सिमेट्री होगी। ये देखना थोड़ा मुश्किल है, जब तक फ्लावर नहीं देखोगे तो नहीं देख पाओगे। तो ये दो कंडीशन ऐसी हैं जो आपको जाइगोमॉर्फिक फ्लावर देंगे कि एक्टिनोम जाइगो, और ये वाली कंडीशन एक्टिनोम। बताइए क्या ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है? यस और नो? क्या ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है? सो देयर आर सो मेनी प्लेन ऑफ सिमेट्री। बेटा जागते रहो तो काम बन जाएगा, नहीं तो फिर रट्टा तो मारना ही। अब आपकी बुक में वेलवेट का एग्जांपल क्या दिया है बताओ? कैलोट्रॉपिस। बोलो क्या दिया है? कैलोट्रॉपिस। क्या मदार का पौधा है? यस माय डियर, कैलोट्रॉपिस इज द एग्जांपल फॉर वेलवेट। भाइयो बहनों, ट्विस्टेड जो है इट इज मैलवेसी, और मुझे कुछ जवाब नहीं चाहिए। बोलो कौन? और मैलवेसी बोलते ही आपको एग्जांपल बोलने पड़ेंगे, बता पाओगे? बोलो कौन? चाइना रोज, लेडी फिंगर एंड कॉटन। अपनी बुक देखो, यही तीनों है। फैमिली मैलवेसी इज ट्विस्टेड, और इसके अलावा इम्ब्रिकेटेड इज कैसिया एंड गुलमोहर। क्या किसी को मालूम है इसके पहले कैसिया और गुलमोहर कहां लिखा था? कहां पर? एक्टिनो की जाइगो, जाइगो, जाइगोमॉर्फिक थे। एंड नाउ माय डियर स्टूडेंट, इट इज वैक्सिलरी। बोलो कौन? एंड द फैमिली फैबेसी। बोलो क्या नाम है? फैबेसी। व्हाट इज फैबेसी फैमिली का एग्जांपल? पी, ग्राम, बीन, सोया। एक्टिनो की जाइगो, बोलोगे नहीं? एक्टिनो की जाइगो, ये वाला जाइगो, फिर से बोलो, ये वाला एक्टिनो, ये वाला एक्टिनो। इसका सबसे बड़ा वाला पेटल, इट इज नोन एज स्टैंडर। बोलो क्या नाम है? पांच पेटल है, पांचों के नाम है। इसका नाम स्टैंड, इन दोनों का नाम विंग्स, विंग्स, और इनका नाम कील, कील और कैराइना, कैराइना भी बोलते हैं। मैं इसको फिर से बना दे रहा हूं क्योंकि यहां बहुत जरूरी है लिखना इसे। इट इज स्टैंडर्ड। इट इज विंग्स, दो विंग्स है, ऑल्सो नोन एज एलोए, एंड दिस इज कील और कैराइना। याद रखना, फैबेसी फैमिली का पुराना नाम है पेपलियोनेसी। सुन लो बेटा, शायद काम आ जाए, क्या पता कुछ नहीं आ जाए। फैबेसी फैमिली का पुराना नाम है पेपलियोनेसी, एंड दैट्स व्हाई वेक्सिलरी एस्टिमेशन इज आल्सो नोन एज पेपलियोनेसियस कोरोला, पेपलियोनेसियस कोरोला, या फिर पेपिलियोनेसियस एस्टिवेशन। इट इज पेपिलियोनेसियस एस्टिवेशन। अब देखें एग्जांपल, रट्टा मारेंगे, समझें, समझें। yes, अच्छा बताओ, वेलवेट, हाँ, कैलोट्रॉपिस, ट्विस्टस, मैलवेसी के तीन एग्जांपल याद है? बोलो, चाइना रोज, ठीक है। इसके बाद क्या ये एम्ब्रिकेट है? एम्ब्रिकेट है, बताओ एग्जांपल। कैसिया और गुलमोहर, फिर कौन? वैक्सिलरी, हाँ, वैक्सिलरी। अच्छा भाई, अब मुझे बताओ, जस्ट टच करेगा तो, शाबाश, जस्ट टच करेगा तो, एक एंड इनसाइड, एक एंड आउटसाइड, ट्विस्टेड होगा। अच्छा, एक पेटल के दोनों एंड आउटसाइड, एक पेटल के दोनों एंड इनसाइड, और बाकी पेटल के इनसाइड एंड आउटसाइड, एम्ब्रिकेट। एक बड़ा वाला स्टैंडर्ड, बोलो, दो विंग्स, और दो मिलाकर ऑल्सो नोन एज कैराइना,
क्या इसे वेक्सिलरी बोलेंगे? yes, क्या ये फैबेसी फैमिली की स्पेशलिटी है? yes, और इसी वजह से फैबेसी फैमिली एक्टिनो है कि जाइगो? कल को तुमसे पूछा जाए फैबेसी फैमिली के मेंबर जाइगोमॉर्फिक क्यों हैं, बता पाओगे? yes, क्योंकि उनका कोरोला कैसा है? वेक्सिलरी। और जिससे कितना प्लेन ऑफ सिमेट्री बढ़ सकता है? एक दो एक प्लेन ऑफ सिमेट्री निकल सकता है, इसलिए एक्टिनोमॉर्फिक की जाइगो जाइगोमॉर्फिक है। चलो एग्जांपल बताओ, वेलवेट ट्विस्टेड एग्जांपल चाइना लेडी फिंगर पक्का। तीसरा बोलो हाँ एम्ब्रिके एग्जांपल बोलो कैसिया गुलमा। आखिरी बोलो हाँ वैसे तो मैं छोड़ दूंगा, लेकिन आज जो पढ़ा है एनसीईआरटी बंद करके 5 मिनट के अंदर रिवाइज करो और घर जाओ। इट विल बी अ पेनफुल, क्योंकि थोड़ा सा शोर आप बढ़ा देते हो, बाकी लोगों को खतरा हो जाता है, लेकिन फिर भी आप लोगों को बहुत तेजी से समझाना है। क्या आज हम लोगों ने फ्लावर पढ़ा? फ्लावर इज अ मॉडिफाइड। क्या हमने दो चेंजेस देखे? एक कौन? हार्मोनल और स्ट्रक्चर। प्रिमोर्डिया बना, फ्लावर बना। बताओ चार वर्ड है सबसे बाहर, चारों है तो कंप्लीट है? कोई भी एक है तो इनकम्प्लीट है? कैलिक्स कोरोला को डिफ्रेंशिएट ना कर पाओ तो पेटल के सेपल के टेपल बाइसेक्सुअल हो सकता है? यूनिसेक्सुअल हो सकता है? यूनिसेक्सुअल में स्टेमिनेट और पिस्टलेट हो सकता है? चलो बाहर करो, क्या सेक्सुअलिटी हो गई? सिमेट्री दिखाई पड़ रही है? एक्टिनोमॉर्फिक हो सकता है? जाइगोमॉर्फिक हो सकता है? एसिमेट्रिकल हो सकता है? एक्टिनोमॉर्फिक के एग्जांपल याद है? फैबेसी, बाकी मोस्ट ऑफ द फैमिली वही है, फैबेसी एक्टिनो की जाइगो। बताओ कहना है सिमेट्रिकल के एसिमेट्रिकल। आज पता चल गया जाइगोमॉर्फिक होने का कारण कौन सा? एस्टिवेशन, वैक्सिलरी। पक्का? अच्छा नंबर हो गया, तीन है तो ट्राइमेरस, चार है तो टेट्रामेरस, पांच है तो ब्रैक्ट प्रेजेंट, तो ब्रैक्ट ये नहीं प्रेजेंट तो ई ब्रैक्ट। ओवरी के बेसिस पर कई कई कंडीशन है, सुपीरियर हो सकता है? हाफ इंफीरियर हो सकता है? इंफीरियर हो सकता है? सुपीरियर है तो हाइपोगाइनस, हाफ इंफीरियर है तो पेरीगाइनस, और इंफीरियर है तो एपीगाइनस। पक्का? मोस्ट ऑफ द फैमिली आर सुपीरियर, रोज प्लम पीच, पेरीगाइनस, सी फॉर कुकुरबिटस, सी फॉर एंड ग्वावा, दीज आर एपीगाइनस है, इंफीरियर है। अच्छा बताओ सुपीरियर इंफीरियर ओवरी हो गया, इसके बाद पार्ट्स ऑफ फ्लावर आए, एक कौन? कैलिक्स, फिर कोरोला, कैलिक्स में सेपल, कोरोला में पेटल, फ्री है तो गैमोसेपेलस की पॉलीसेपेलस, पॉलीसेपेलस पॉलीपेटलस, और फ्यूज है तो गैमोसेपेलस गैमो। एस्टिवेशन आया? डेफिनेशन बता दोगे? आई विल द हैप्पीएस्ट पर्सन। इट इज अ अरेंजमेंट ऑफ सेपल एंड पेटल विद रेस्पेक्ट टू अदर मेंबर ऑफ सेम कैलिक्स का, सेपल का सेपल, कोरोला में पेटल का पेटल, कितने प्रकार के? चार दिख रहे हैं। एक कौन? क्या ये कैलोट्रॉपिस है? क्या ये मेलवेसी है? मेलवेसी चाइना रोज लेडी फिंगर। क्या ये कैसिया और गुलमोहर फैबेसी है? yes, पी है? yes, टेक केयर, गुड लक, बाय बाय।